लेट्स स्टार्ट लास्ट लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 3। बेटा पहले लोग कैसे खेती करते थे? लोग एग्रोकेमिकल खेती करते थे। कहने का मतलब था, एग्रोकेमिकल मतलब खेतों में इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालते थे, अब ऐसे ही बैक्टीरिया को डालने के लिए बैक्टीरियासाइड डालते थे। भाई अगर आप केमिकल खेतों में डाल रहे हो और जिससे बैक्टीरिया मर रहा है, इंसेक्ट मर रहा है, अंत में वो जो केमिकल आपने डाला है उसे मारने के लिए है तो अल्टीमेटली जहर ही। अब आपका जमीन से वो जाएगा आपका प्लांट के अंदर, जब प्लांट घसीटेगा मिनरल्स को तो वो जहर भी घसीटेगा, जब जहर घसीटेगा तो जहर आ जाएगा प्लांट की पत्तियों में और प्लांट के तनों में, और प्लांट में जब फल निकलेंगे तो जहर उसमें भी आएगा। अब सोचो कहानी कहां से शुरू हुई। आप मार्केट से यूरिया फर्टिलाइजर और आप टॉक्सिक केमिकल बैक्टीरिया फंजाई मारने के लिए ले आए, कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं आपने छिड़क दी। अब आपने मिट्टी पर जब वो दवाएं छिड़की तो मिट्टी हो गई दूषित, मिट्टी हो गई टॉक्सिक। अब मिट्टी मिट्टी से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, अब वो आपका जहर आ गया फलों में और हम उन्हीं जहर को खा रहे हैं। अब कहोगे सर इतना कम जहर होगा इंसान को क्या ही फर्क पड़ेगा। बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं वो हमारी बॉडी में लगातार इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कई लोग बहुत कम उम्र में सोते सोते क्या हुआ, चल बसे, एक एक हार्ट अटैक हो गया, एक एक कार्डियक अरेस्ट आ गया, वो इन्हीं केमिकल की वजह से होता है। अच्छा दूसरा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए ये केमिकल खरीदना भी बहुत एक्सपेंसिव है, और अंडर डेवलप की तो बात ही मत कीजिए। दूसरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तीसरी अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल फार्मिंग। बायोटेक्नोलॉजिकल फार्मिंग में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा हम इंसेक्ट को मारने वाली दवा छिड़केंगे ही नहीं, हम जो इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं कीटनाशक दवाएं, हम कीटनाशक डालेंगे ही नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा तो कीड़ा कैसे मारोगे। उन्होंने प्लांट के अंदर ऐसा परिवर्तन किया कि प्लांट खुद में कीटनाशक हो गया। मतलब जिस प्लांट को इंसेक्ट खाता है अब वो प्लांट खुद कीटनाशक हो गया, अर्थात इंसेक्ट जैसे ही उसको खाएगा इंसेक्ट खुद ही मर जाएगा, अर्थात इंसेक्ट प्लांट की पत्ती खाएगा इंसेक्ट मर जाएगा। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द फेमस बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होती है, एक बैक्टीरिया होता है उसकी जो कुछ स्ट्रेन, सभी स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन आपका एक प्रोटीन बनाती है जो प्रोटीन आपका जहरीला होता है। देखिएगा बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस में एक जीन पाया जाता है, जीन का नाम होता है क्राई जीन। क्या जीन बेटा? क्राई जीन। बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया, सभी स्ट्रेन नहीं, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस में क्राई जीन पाया जाता है। क्राई जीन से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन एक क्रिस्टल के अंदर बंद होती है, ये प्रोटीन एक क्रिस्टल के अंदर बंद होती है। जब तक ये क्रिस्टल के अंदर बंद है, भाई प्रोटीन अंदर बंद है, यही जहरीली प्रोटीन है। ये जो आपको अंदर प्रोटीन दिख रही है यही जहरीली प्रोटीन है। प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्राई प्रोटीन। अब समझना, क्राई जीन ने क्राई प्रोटीन तो बनाई लेकिन ये प्रोटीन आपका बंद है अंदर। जब अंदर बंद है तो अभी ये जहरीली नहीं हुई। अगर आप मुझसे कहिए सर आप तेजाब में हाथ डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकता हूं, चाहे जितना कंसंट्रेटेड तेजाब ले आओ, लेकिन हाँ एक शर्त है, पन्नी पहले पहनेंगे तब हाथ डालेंगे। तो बताओ क्या तेजाब मेरे पे अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बाहर किसकी लेयर आ गई? पन्नी की। उसी प्रकार ये जहरीली प्रोटीन जिसको इंसेक्ट खाकर मर जाएगा, ये इसी इस खोल के अंदर क्या होती है? बंद। सर तो ये खोल गलेगा कब? जब आप इस क्रिस्टल को आप देंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये क्रिस्टल रिएक्ट कर जाएगा, हट जाएगा, प्रोटीन बाहर आ जाएगी और अल्टीमेटली कीड़ों को मार देगी। अब इधर देखिएगा, हम लोगों ने क्या किया, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस, मैं लिख रहा हूं सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस से हमने क्राइजीन निकाल लिया। अब इस क्राइजीन को वेक्टर के साथ जोड़कर हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? अब जब इंसेक्ट आएगा और इस प्लांट को खाएगा तो इंसेक्ट में, इंसेक्ट की जो मिड गट होती है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, तीन पार्ट में बटी थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। इंसेक्ट की जो मिड गट होती है, मिड गट का मीडियम होता है बेसिक। अब सीधी बात है, क्राई जीन आपने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया है तो प्लांट की प्रत्येक सेल अब बना रही होंगी क्या? क्राई प्रोटीन। अब क्या होगा, जैसे ही मिड गट में पहुंचेगा वो क्रिस्टल, तो बेसिक मीडियम होने की वजह से मिड गट में बेसिक मीडियम होने की वजह से वो क्रिस्टल आपका गल जाएगा
और प्रोटीन एक्सपोज हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। प्रोटीन मिडगट की मौजूद सेल्स पर जाएगी और इस पर चिपक जाएगी। चिपकने के बाद क्या करेगी, आपका यहां पर ये छेद पैदा कर देगी। छेद होने की वजह से मिडगट में जो भी आपका माल भरा होगा वो सेल के अंदर जाने लगेगा, अल्टीमेटली अंदर से लगेगा प्रेशर, सेल जाएगी फट, कीड़ा जाएगा मर, खत्म कहानी। बेसलस थुरिंजियंसिस की सम स्ट्रेन या ऑल सम स्ट्रेन से हमने क्राइजीन लिया, क्राइजीन डाला प्लांट में, प्लांट की प्रत्येक सेल में अब क्राई प्रोटीन बन रही होगी लेकिन इनएक्टिव होगी। इंसेक्ट में, इंसेक्ट जब इसे खाएगा, इंसेक्ट की मिडगट में जाकर मिडगट का बेसिक मीडियम होने की वजह से वो आपका क्रिस्टल गल जाएगा, प्रोटीन एक्सपोज हो जाएगी, प्रोटीन जाकर मिडगट की सेल से चिपकेगी जहां पर छेद हो जाएगा और छेद होने की वजह से मिडगट का माल अंदर जाने लगेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो अल्टीमेटली जो आपका जो सेल है वो सेल की हो जाएगी लिसिस। मिडगट की अगर सेल फट जाएगी बेटा तो सीधी बात है अतड़ियां बर्बाद और आपका जो इंसेक्ट है उसका खेल खत्म। चलिए बोर्ड की तरफ देखिएगा, आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आज हम लोग ऐसे कौन कौन से प्लांट बना लिए, बीटी कॉटन बना लिया है, बीटी कॉर्न बना लिया है, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन। बीटी स्टैंड फॉर बेसलस थुरिंजियंसिस। अब अच्छा आपने कभी आर्मी वालों को देखा होगा, भाई साहब एक टक एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, एकदम स्ट्रेट, कहीं जाएंगे तो बिल्कुल लाइन में जाएंगे, देखा नोटिस किया, बिल्कुल जब परेड करते हैं तो लाइन में। ऐसे एक वॉर्म होता है जिसका नाम होता है आर्मी वॉर्म। आर्मी वॉर्म भी बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, अगर लाखों आर्मी वॉर्म है वो हमेशा एक सीधी लाइन में जाते हैं, इसी वजह से उनका नाम ही पड़ा आर्मी वॉर्म। आर्मी जैसे बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, देखा होगा ना एक के पीछे एक, एक के पीछे एक जब परेड होती है गणतंत्र दिवस पर, उसी प्रकार आर्मी वॉर्म भी एक के पीछे एक चलते हैं, क्लियर। और आर्मी वाले बेटा दिन भर खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे, कभी मन लगता होगा थोड़ा बहुत तंबाकू रगड़ के धर ली, अब 6-6 घंटा ड्यूटी करनी यार खड़े होके, इट्स हार्ड जॉब। तो बेटा ट्रिक है ये, इधर देखो, और उनसे ज्यादा अगर तुमने बहस किया सीधे लपेट देंगे घंटा आप, तो लपेट देंगे लेप्टोप्टेरेंस, लपेट देंगे लेप्टोप्टेरेंस। लेप्टोप्टेरेंस का एग्जांपल टोबैको वॉर्म और आर्मी वॉर्म। आर्मी से तंबाकू कनेक्ट कर लिया, घंटा आप लपेट देंगे लेप्टोप्टेरेंस, क्लियर। तो इंसेक्ट की यहां पर मैंने कुछ क्लासेस दी है, लेप्टोप्टेरेंस, टोबैको वॉर्म, आर्मी वॉर्म, इसमें आएगा कॉलियोप्टेरेंस, काला काला होता है खटमल अर्थात बीटल, तो कॉलियोप्टेरेंस ऐसे याद हो गया बीटल, और डाइप्टेरन, डाई का मतलब दो, दो नाम हमेशा एक साथ निकलते हैं, मच्छर मक्खी, मच्छर मक्खी इसका एग्जांपल हो गया, खत्म। बेसलस थुरिंजियंसिस बनाता है प्रोटीन क्रिस्टल अपने जीवन के एक पार्टिकुलर फेज में, बिल्कुल सही बात है, जब ग्रोथ कर लेगा तभी बनाएगा, अपने जीवन के एक पार्टिकुलर फेज में। दीज क्रिस्टल, इन क्रिस्टल के अंदर पाई जाती इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये टॉक्सिन बेसलस को क्यों नहीं मारते, क्योंकि बेसलस का अंदर बैक्टीरिया के अंदर एसिडिक मीडियम होता है और क्रिस्टल को गलने के लिए मीडियम कैसा चाहिए, बेसिक। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, अच्छा अर्थात वो पहले इनएक्टिव था, अर्थात प्रोटॉक्सिन कहने का मतलब जहरीला नहीं था क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर बंद था। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वंस इंजेस्ट, मतलब खा लिया इंसेक्ट ने, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि एल्कलाइन पीएच होता है मिडगट का जो क्रिस्टल को गला देगा और एक्टिव टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा मिडगट की एपिथेलियल सेल से, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल में छेद हो जाएंगे। अब पूरा मिडगट का माल जो है वो सेल के अंदर घुसने लगेगा, अंदर से लगेगा प्रेशर और सेल की होगी लिसिस, एवेंचुअली एकाएक कीड़े की हो जाएगी डेथ। अब समझना, अब भाई देखो क्राइजीन जो होता है, मैंने कहा सम स्ट्रेन ऑफ बेसलस थुरिंजियंसिस से क्राइजीन मिलता है। क्राइजीन कोई सिंगल जीन नहीं है, ग्रुप ऑफ जीन को बोलते हैं क्राइजीन, इनके बहुत सारे एलेलिक फॉर्म होते हैं। आप कौन सा क्राइजीन इस्तेमाल करोगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किस इंसेक्ट को मारना है, अर्थात कौन, भाई देखो जो चीज जहर मेरे लिए जरूरी नहीं वो चीज जहर जो है लॉयन के लिए भी हो, जो चीज जहर लॉयन के लिए है जरूरी नहीं वो जहर मेरे लिए भी हो, तो आपको किस कीड़े को मारना और किस पेड़ को बचाना है, क्या बोला गौर से सुनिएगा, किस कीड़े को मारना और किस पेड़ को बचाना है, इससे डिसाइड होगा कि आप कौन सा जीन उठाओगे, क्लियर। अच्छा इसके बाद बेटा यहां पर आपको यह बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, इसका मतलब, अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब क्राइजीन क्या हुआ, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हुआ, किस ग्रुप को मानना, लेप्टोप्टेरेंस को मानना है तो अलग क्राइजीन इस्तेमाल होगा, कॉलियोप्टेरेंस को मानना है तो अलग आपका जीन इस्तेमाल होगा, क्लियर, डायप्टेरेंस को मानना है तो अलग जीन इस्तेमाल होगा। अब यहां पर यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कॉटन बुलवॉर्म से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये लिखोगे तभी याद होगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। कॉटन बुलवॉर्म क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी द्वारा कंट्रोल होता है, अर्थात इन जीनों का इस्तेमाल करेंगे कॉटन बुलवॉर्म से बचने के लिए, और कॉर्न बोरर नाम के इंसेक्ट से बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्राई फर्स्ट एबी, क्लियर। यहां पर ए और बी दो कॉटन दिखाया हुआ है, पहला वाला इन्फेक्टेड हो गया, देखो इसमें छेद दिख रहा है, ये कॉटन बुलवॉर्म से इन्फेक्टेड है।
बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 30 थेरापेटिक ड्रग्स अर्थात 30 मेडिसिन जो है वो वर्ल्ड में आपकी मार्केट हो रही है, अर्थात उनको आपका अप्रूवल मिल गया है। और बारह बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एज अ मेडिसिन हिंदुस्तान अप्रूव कर चुका है। आइए अब बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अर्थात जिसे हम ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में कि एक ह्यूमन उतनी ही इंसुलिन बनाता है जितनी उसको आवश्यकता है। अगर मेरी बॉडी में बीटा सेल खराब हो गई, इंसुलिन नहीं बन रही, तो मैं किसी दूसरे से इंसुलिन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि एक बॉडी उतना ही इंसुलिन बनाएगी जितना उसको रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? अब क्या है, मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है, आपको इंसुलिन देना है, आप कैसे दोगे? आप इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन दोगे। क्लियर भाई? खिलाओगे नहीं ना। अगर इंसुलिन आप खिलाओगे तो इंसुलिन तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन पेट में होता पेप्सिन, पेप्सिन नाम का एंजाइम इंसुलिन नाम की प्रोटीन तोड़ देगा, खत्म हो गया इंसुलिन। इसलिए आप उसे इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने क्या किया, शुरू में पिग हो गए, कैटल हो गए, इनको काट काट के इनके ब्लड को फिल्टर करके उससे इंसुलिन प्राप्त किए। लेकिन तब भी सोचिए, ये जो है दूसरी स्पीसीज है, अगर इनसे हम इंसुलिन लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या पैदा होगी, एलर्जी। अब एक कंपनी आती है जिस साल में इंडिया अपना पहला विश्व कप जीता था 1983, एली लिली, क्या नाम, एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी आती है, वो सबसे पहले इंसुलिन आपका मतलब लैब में जाकर बनाती है। पहले ये देख लो, इंसुलिन जैसे आपके जैसे अभी आपने देखा एक टॉक्सिन जो है वो प्रोटॉक्सिन के रूप में था, अर्थात इनएक्टिव टॉक्सिन था। उसके बाद आपने सुनते हैं कि इंजाइम प्रो इंजाइम कहने का मतलब इनएक्टिव। जैसे याद करिए, मैंने कहा था आपको पेप्सिनोजेन ट्रिप्सिनोजेन ये सब क्या है, इनएक्टिव। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव है। क्लियर? वैसे ही कई बार कुछ हार्मोन भी होते हैं जो बनते इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब जो भी उनका फंक्शन है वो उस समय उस फंक्शन को नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा काम पढ़ाना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, अगर मैं सो रहा हूं तो आप क्या कहोगे, साहिल सर इनएक्टिव है, अब ये साहिल सर नहीं प्रो साहिल सर हो गए। अब इधर देखो, जब इंसुलिन बनती है तो पहले ये प्रो इंसुलिन कहलाती है। क्लियर? जहां पर तीन चेन होती है, ग्रीन वाली चेन ए है, आपका ये ग्रे कलर की जो चेन है ये सी है, और ये ब्लू कलर की चेन है ये बी। तो अरेंजमेंट हुआ ए सी और बी, क्या हुआ अरेंजमेंट, ए सी और बी। लेकिन गौर से देखने पे पता चलता है कि ए और सी के बीच में यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये पूछ लेगा कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ए और सी के बीच में, दो। और वहीं पर बी में उसी की चेन में आपका पाया जाता है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब आपका जैसे ही हम सी वाली चेन हटा देते हैं, आपको एक्टिव इंसुलिन मिल जाती है, और एक्टिव इंसुलिन में सिर्फ दो चेन होंगी, एक ए और एक बी। बस सी वाली हटाइए, इंसुलिन क्या हो जाती है, एक्टिव। अब एली लिली कंपनी ने क्या किया, एली लिली कंपनी ने इस्चीरिया कोलाई का इस्तेमाल किया। बोर्ड की तरफ देखिएगा, एली लिली कंपनी ने क्या किया, आपका इस्चीरिया कोलाई लिया। सर दो इस्चीरिया कोलाई क्यों ले रहे हैं आप बेटा, एक अल्फा चेन के लिए आपका और एक बीटा चेन के, मतलब एक ए पेप्टाइड बनाने के लिए एक बी पेप्टाइड बनाने के लिए, दोनों को अलग अलग बनाया। तो सर अलग अलग बनाया, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इन्होंने यहां पर ये मान लीजिए आपका अल्फा चेन बनाने वाला, ये मान लीजिए मैंने वेक्टर बनाया, ये मान लीजिए मैंने अल्फा चेन बनाने वाला जीन ले लिया, फिर इधर भी मैंने वेक्टर लिया, बैक्टीरिया कौन सा लिया, ई कोलाई। ये मान लीजिए हमने इंसुलिन का हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन कभी हम खाते नहीं हैं, हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, इंसुलिन कभी टैबलेट के फॉर्म में नहीं आती। पूछिए क्यों? इंसुलिन क्या है, प्रोटीन, मानते हैं या नहीं मानते हैं? अबे पेप्टाइड चेन है, मतलब प्रोटीन ही है। पी से पेट, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेट में पाए जाने वाला पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है। तो अगर आप इंसुलिन खाएंगी तो आपके स्टमक में जाने के बाद इसकी चेन पेप्सिन क्या करेगा, तोड़ देगा, तो इंसुलिन खत्म। इस वजह से इंसुलिन हम किसके फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन। ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब ओरली खाते हैं क्या, हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन। इज दिस क्लियर? बायोटेक का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा बैठो तुम घड़े। और ये सब मेरा ज्ञान बखार ना हुआ कि देखो मुझे कितना पता है। तो बेहतर क्या है, हम एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिहेव लाइक अ कॉम्पिटिटर। तो हम आर्ने इंटरफ्रेंस को उतना ही जानेगा, यकीन मानिए आप जितना भी जानोगे वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, आपके लेवल के नहीं, बीएससी लेवल पे भी आप नहीं पा पाओगे जितना आप सुनने जा रहे हो आज, ठीक है। और आप अब मेरी बात समझिएगा, अब आप थोड़ा सा घबरा रहे हो इस टॉपिक से, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं बेटा, मेरा काम यही है
कि डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे आसानी से दिमाग में डाला जाए। तो आपको घबराना नहीं है, आपको लगेगा जैसे आप दूसरे टॉपिक पढ़े हो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बस कोशिश कीजिएगा कि कभी किसी के सामने ये मत बोलिएगा, नहीं मेडिकल वाले स्टूडेंट या मेडिकल के टीचरों से बोल दो कोई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो खुद ही कट जाएंगे, अच्छा चलो ये टॉपिक तो ठीक है और बताओ और क्या तैयार है, तुरंत चेंज होगा मामला। लेकिन अगर किसी कभी भी भैया घर बार में अगर कोई प्रोफेसर टाइप का आइटम बैठा, वो भी बायोटेक का, तो उससे कभी मत बोलना आर्न इंटरफेरेंस, वरना वो हमको कहेगा तुम्हें किस चूतिए ने पढ़ाया है, ठीक है, कि उसने तुम्हें बताया नहीं कि इस टॉपिक पर ये नहीं बोला जाता, इस टॉपिक पर रिसर्च चल रही है। अगर IIT का HOD ये बात बोल रहा है कि भैया 43 पेज हैं, 44वीं लाइन नहीं लिख पाऊंगा, अब मैं 44वें पेज पर एक लाइन नहीं लिख पाऊंगा, जितना पता है अभी तक वैज्ञानिकों को उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब तुम इसे निचोड़ लो, अब इसमें से तुम हाईलाइट कर लो कि किन बातों से तुम्हारी NCERT एक्सप्लेन हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हारा आंसर्स निकल जाएंगे बच्चों के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या समझा रहा हूँ? तो RNA इंटरफेरेंस समझने से पहले RNA इंटरफेरेंस क्या है, कैसे काम करता है, इन बातों को करने के पहले हम सीखेंगे कि TI प्लाज्मिड क्या है, अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। याद करिए बायोटेक में मैंने एक पैराग्राफ छोड़ा और उस पर लिखवाया, लिख दो नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम वेक्टर पढ़ रहे थे याद करिए, वहां पर मैंने सीधे क्या बोल दिया था बेटा, नेक्स्ट चैप्टर। अब बेटा इधर देखना, मेरी बात को समझना और इस चीज को अच्छे से क्लियर करना। और हाँ चलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आपका जितना दम हो आप पूछ लो, आप यकीन मानो आप 43 पेज से ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है, वो आपके आंसर उसी 43 पेज के अंदर टहलेंगे। मैं आपसे बोल दूंगा इज देयर एनी डाउट एनी ऑब्जेक्शन यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, सीट पे खड़े हो जाओ क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन आपके मन में कोई सवाल आएगा नहीं। और कोशिश करना लाना भी मत, बहुत वेस्ट होगा तुम्हारा टाइम। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, तो फर्स्ट लॉ पे तो किताबें लिखी गई हैं यार, तो क्या आप वो किताब पढ़ते हो पूरी की? लॉ को बस दो लाइन में निपटाते हो, लॉ को दो लाइन में निपटाते हो भाई। अगर आप मैकेनिक्स में एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो तो आपकी पूरी मैकेनिक्स हिल जाएगी, विंड वेलोसिटी आ जाएगी, फिर एयर की डेंसिटी कितनी है, फिर कितनी ऊपर से छोड़ी गई है, फिर तो बहुत कुछ होगा ना भाई। जितनी ऊपर से छोड़ी गई उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगी, अब एयर रेजिस्टेंस ऊपर का कम आएगा नीचे का ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो भाई नीचे रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। तो इतना ज़्यादा आप कहाँ घुसते हो, है ना, मोटी मोटी बिल्कुल वो वाली फिजिक्स पढ़ते हो जो न्यूटन और गैलीलियो देकर गए हैं, आज की फिजिक्स थोड़ी पढ़ते हो तुम, ये वाली फिजिक्स पढ़ के नासा में एडमिट हो जाओ, तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट उड़ने नहीं वाला है। अगर ये वाली फिजिक्स अगर आप पढ़ के, ये वाली मैकेनिक्स अगर आप नासा में लगाने लगो जाकर, तो बेटा आपका सैटेलाइट झांसा देकर मंगल ग्रह के चक्कर लगाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम बिल्कुल 17वीं शताब्दी की फिजिक्स पढ़ते हैं। RNA इंटरफेरेंस अभी हमारे यहाँ बिल्कुल भी डेवलप नहीं है ये साइंस, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे TI प्लाज्मिड, और बिल्कुल भी डरना नहीं, सिखाने की गारंटी मेरी, बस मेरी बात आपको सुनना है पूरी, ठीक है। अच्छा अब इधर सुनो बेटा, एक वेक्टर की तलाश में, क्या बोला, वेक्टर की तलाश में हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है भैया? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रो मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बड़ी मोहब्बत से सिखाएंगे, बस सीखते रहना एक एक बात हमारी, सुनते रहो, कोई दिमाग लगाएगा नहीं सीख पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग लगाओगे तो तुम दो कदम आगे सोचोगे, दो कदम आगे नहीं सोचना है, दो कदम आगे तब सोचा जाता है जब टीचर बेस से ना उठा रहा हो, जब टीचर बेस से ही उठा रहा हो तो आप बस बात सुनते रहो कथा की तरह। अभी तो देखो, पहले इधर देखो, एग्रो बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है सर, आप बकलोल हैं क्योंकि सर हम उसके नाम में ही आ रहा है बैक्टीरिया। बेटा अगले आगे नाम है ट्यूमीफेशियन। सर ट्यूमीफेशियन, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि सर ये पक्का है एग्रो मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मतलब प्लांट्स में अटैक करने वाला बैक्टीरिया जो प्लांट्स में क्या कराता होगा, ट्यूमर। भाई ट्यूमीफेशियन अर्थात जो क्या कराएगा प्लांट में, ट्यूमर। अब सवाल बनता है व्हाट इज ट्यूमर, ट्यूमर क्या है? ट्यूमर का मतलब होता है बेटा कुछ नहीं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। जब अगर सेल अच्छा बताओ तुम्हारी सेल क्या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं? उनका एक फिक्स होता है कि इतनी बार मल्टीप्लाई करना है तो ये कान वाला शेप आएगा, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेगी तो मेरे हाथी जैसे कान हो जाएंगे। बोलो बेटा अब क्या होता है, जब कोई सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है मतलब रुकी नहीं रही, हाथ की सेल डिवाइड करती जा रही करती जा रही करती जा रही करती जा रही करती जा रही, तो यहां पर मेरा मानना सेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा। Yes, हाँ या ना? Yes, अच्छा जब सेल इतनी तेज डिवाइड कर रही होगी तो क्या मैच्योर होने का टाइम मिल रहा होगा? Yes. बोलते ही नहीं आप लोग। Yes. नहीं मिलेगा। Yes. तो बताओ वो सेल हमारे काम की कि बेकार? हाँ मेरे 50 लौंडे हो, मान लो मेरे 50 बच्चे हो, उनमें से एक को कुछ ना करता हो, सब निठल्ले घर में बैठे हो, पक्का? तो बताओ वो बच्चे किसी काम के? एक हो, IAS हो,
नहीं समझ, एक हो आर्मी में भाई मेजर हो तब तो मजा आए, थोड़ा सिस्टम समझ में आए, डॉक्टर हो बड़ा, न्यूरोसर्जन न्यूरोसर्जन टाइप का आइटम हो, आईटी वाईटी पढ़ता हो तब तो थोड़ा अच्छा अच्छा लगे। तो बेटा अब वो सेल किसी काम की नहीं, 50 नहीं तुम 500 हो जाओ, लेकिन तुम मैच्योर हो ही नहीं, तुम कुछ नहीं हो, तुम बकलोल हो, उल्टा तुम मेरा नुकसान कराओगे, क्योंकि तुम कर रहे हो जल्दी जल्दी डिवीजन, जल्दी जल्दी डिवीजन के लिए ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी के लिए तुम्हें वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट विटामिन ये सब चाहिए, और जो हमारी नॉर्मल सेल है बेचारी जो काम कर रही है उनसे तुम घसीट ले रहे होगे। नहीं समझ पाए आप हमारी बात, समझ पाए आप हमारी बात, जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही होगी वो सेल क्या करेगी, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ज़्यादा, तो नॉर्मल सेल न्यूट्रिशन खींच लेगी और मेरी नॉर्मल सेल मरने लगेंगी। नहीं समझ पाए आप बात को, तुम्हें क्लियर है पक्का? मेरा मानना है जो ट्यूमर, अब बेटा ये जो सेल का गुच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर, एकदम क्लियर है, ट्यूमर नहीं भाई ट्यूमर। अब बेटा ये बताओ कोई सेल जल्दी डिवाइड कर रही है तो न्यूट्रिशन चाहिए ज़्यादा या कम, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, विटामिन मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सच्चा तो मत हर अच्छी चीज़ वो ज़्यादा लेगी। और मेरा मानना जो मेरी नॉर्मल अगल बगल की सेल हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं वो सेल आपकी क्या होंगी, न्यूट्रिशन क्या पाएंगी, कम। अब न्यूट्रिशन कम पाएंगी अल्टीमेटली एक दिन जाएंगी मर। समझ में आ गया? तो बताओ ट्यूमर अच्छा या बुरा? हाँ बुरा। आइए अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन कैसे प्लांट में ट्यूमर कराता है हम लोग इसको सीखेंगे। अब इधर देखो, जैसे मान लो ये वो बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में ये चलो मान लीजिए उसका मेन क्रोमोसोम है, ठीक है, ये उसका मेन क्रोमोसोम है और ये है उसका प्लाज्मिड। मैंने बताया था आपको प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, याद आया, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंट, हाँ क्या ऑटोनोमस रेप्लिकेट करता है, कोई मतलब नहीं मेन क्रोमोसोम में मल्टीप्लाई करे या ना करे, एकदम क्लियर है। अब बेटा इसी प्लाज्मिड की वजह से, इसी बेटा बहुत अच्छे समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है, वीर जीन क्या होता है, टी डीएनए क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, हम एक एक बात को क्लियर करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो प्लांट्स के अंदर जाकर, ये मान लो प्लांट है, प्लांट्स के अंदर जाकर ट्यूमर इंड्यूस कराता है। अब बेटा इसमें भी कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो प्लांट को स्टिमुलेट कर रहा होगा कि इसकी सेल क्या करे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करे, और वो चीज़ है ये प्लाज्मिड। इसी वजह से इस प्लाज्मिड का नाम पड़ा ट्यूमर को इंड्यूस कराने वाला, ट्यूमर को प्रेरित करने वाला कि ट्यूमर ना हो। अच्छा ट्यूमर, तुम लोग में बैच में ना लड़कियां ज़्यादा तेज़ जवाब देती हैं और ज़्यादा जल्दी जवाब देती हैं, बेटा बिल्कुल लाउड बोला करो जल्दी से, जब तुम्हारे आंसर पर मेरा लेक्चर डिपेंड करेगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, अर्थात इसी की वजह से क्या हो रहा है ट्यूमर, ये तो रटने वाली बात हो गई कि इसकी वजह से ट्यूमर हो रहा है। अब हमें ये जानना है कि ट्यूमर इसकी वजह से कैसे हो रहा है, मैं क्यों मानूं इसकी वजह से हो रहा है, मैं तो ये मानूंगा इसकी वजह से ट्यूमर हो रहा है, बताइए। तो अब बेटा हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को अगर डिटेल में देख लेंगे तो हम खुद ही समझ जाएंगे क्यों इसकी वजह से हो रहा है। बेटा एक्चुअली में अगर हम एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को बाहर निकाल के दिखाएं तो ये मान लीजिए है आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक, सर्कुलर डीएनए बताया तो था यार, प्लाज्मिड क्या होते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बताया था। बेटा अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मतलब कोई दिक्कत बना सकता हूं कि नहीं? अच्छा ठीक है एक सेकंड, सुंदर सा बना दे, ठीक। अब इधर समझना बेटा, इसके पास, सुनते जाना मेरी बात बहुत अच्छे से, एक डीएनए का एक रीजन होता है, रीजन कहने का मतलब डीएनए का एक टुकड़ा, उस पूरे डीएनए को, एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं टी डीएनए। क्या बोलते हैं? टी डीएनए। मेरी बात को अच्छे समझना, ये पूरा प्लाज्मिड है, टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। हम कहाँ कितनी अंदर बातें कर रहे हैं पहले ये सोचो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन नाम के बैक्टीरिया के अंदर के प्लाज्मिड के अंदर घुसे हैं हम लोग और इस रीजन को क्या बोल रहे हैं, टी डीएनए। सर वाई टी डीएनए? अब क्वेश्चन बनता है टी डीएनए क्यों बोलते हैं, टी का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, क्योंकि ये पूरे का पूरा प्लाज्मिड प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में जाकर नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसका टी डीएनए वाला टुकड़ा, इतना रीजन कट कर अलग होता है और ये जाकर जुड़ता है प्लांट की सेल के नॉर्मल डीएनए में। समझ में आ गया? इतना आ गया, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए इन टी आई प्लाज्मिड व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द प्लांट सेल इज नोन एज टी डीएनए।
ट्रांसफर डीएनए. इज दिस क्लियर? दोबारा सुनेंगे. टीआई प्लाज्मिड का वो पोर्शन जो प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए में जाकर चिपकेगा, ट्रांसफर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसफर डीएनए. एकदम क्लियर हो रहा है? मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है? अच्छा, कालिया क्लियर है? अच्छा, अगली बात. अब मेरी अगली बात समझिएगा बेटा, ये जो टी डीएनए है इसी में पाए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन. तो सर मतलब टी डीएनए में कई जीन होते हैं? हाँ बेटा. ये मैंने क्यों मैंने ये कब बोला कि टी डीएनए एक जीन है? मैंने कहा टी डीएनए डीएनए का एक टुकड़ा है. अब उस टुकड़े में बहुत सारे जीन हो सकते हैं. अब बेटा यहाँ पर आपका मान लो ये जो जीन है, इधर अच्छे से समझिएगा. जब बेटा मैं बहुत इत्मीनान से बोलने लगूँ ना तो समझ जाना गलती होने के चांसेस यहीं बच्चे से होते हैं. टी डीएनए एक टुकड़ा है, इस टुकड़े में कई सारे जीन होंगे. उसी में मैं आपको एक जीन का जिक्र कर रहा हूँ. ये जीन जो है ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है. कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन. ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है. ये वाला रीजन, ये मान लीजिए साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन बनाता है. जब आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन सिलेबस से बाहर नहीं हुआ है. ठीक है? तो ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन है, क्या बोला? ये दोनों सेल डिवीजन कराने में मदद करते हैं. अकेला ऑक्सिन भी नहीं सेल डिवीजन करा सकता और अकेला साइटोकाइनिन भी नहीं करा सकता. यही मजेदार बात है बहन. अकेला ऑक्सिन भी नहीं करा सकता, अकेला साइटोकाइनिन भी नहीं करा सकता. दोनों एक साथ मिलकर सिनर्जिस्टिकली, मतलब पता है? गुड. सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है, एनसीईआरटी का वर्ड है. एनसीईआरटी के इंग्लिश के सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए. सिनर्जिस्टिक वर्ड वैसे आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मैं दोबारा बताऊंगा, पर आज फिर सुन लेंगे तो पेचिस नहीं हो जाएगा, दोबारा सुनेंगे तो और याद होगा. सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है जब दो लोगों के मिलने से या तीन लोगों के मिलने से या कई लोगों के मिलने से, ठीक है, कोई कार्य हो रहा हो, सबके मिलने से जो एनर्जी उत्पन्न हो उसे बोलते हैं सिनर्जी. एग्जाम्पल, मेरे अकेले पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा? अकेले फिजिक्स वाले के पढ़ाने से, अकेले केमिस्ट्री पीसी पढ़ाने वाले से, तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है आपके सिलेक्शन पर. तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ, क्या हो रहा है? सिनर्जिस्टिकली वर्क हो रहा है. इज दिस क्लियर? सिनर्जी मतलब क्लियर हो गया. तो बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, अगर कोई अकेला है कोई हार्मोन, तो वो कभी भी सेल डिवीजन नहीं करा सकता. ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन चाहिए और साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सिन चाहिए. इतनी बातें एकदम क्लियर है? दोनों मिलकर ही क्या कराते हैं? सेल डिवीजन. अब बेटा टी डीएनए वाला जो टुकड़ा है, समझना मेरी बात, टी डीएनए वाला जो टुकड़ा है, टी डीएनए वाले टुकड़े में ही पाया जा रहा है ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन. तो बेटा जब टी डीएनए प्लांट की सेल में ट्रांसफर होता होगा, तो ये बताओ बेटा पूरा टीआई प्लाज्मिड डाल दिया जाता है क्या? नहीं. सिर्फ टी डीएनए, इसका एक टुकड़ा. टी डीएनए जब प्लांट की सेल में आपका ट्रांसफर होता होगा, तो मेरा मानना है प्लांट के अंदर टी डीएनए के साथ साथ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन भी ट्रांसफर हो गए. प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन बना ही रहा होगा, लेकिन अब आप उसे एक्स्ट्रा दे दिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन. अगर मुझे ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाओ, तुम मुझे ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगाओ, अबे मेरी बॉडी तो बना ही रही अपने हिसाब से, तुमने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया ना. ठीक है? अब बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट में पहले तो बन ही रहा था, लेकिन अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनने लगेगा बहुत ज्यादा. ठीक है? लंबा एरो मतलब बहुत ज्यादा. अब मेरा मानना है प्लांट की सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगेंगे कि कंट्रोल्ड? अब मान लो प्लांट की सेल रूट की सेल है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगी, और यहां पर देखो तुम्हें साफ साफ रूट में क्या दिख रहा होगा? ट्यूमर. तो सर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ट्यूमर उमर रहने दो. आय हाय 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 हाय, पानी जैसे ही रूट ने लिया, ठीक है, एक एंड रुको, है पानी इधर इधर इधर, ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है पानी. मिनरल जैसे ही लिया, ठीक है, मिनरल जैसे ही आपने आपकी रूट ने लिया, खट से ट्यूमर वाली सेल ने कहा भैया फास्टेस्ट रेप्लिकेटिंग सेल है. कैन भैया मैच्योर नहीं. कैन मैच्योरिटी कोई मतलब नहीं है, और हमारा काम है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए वाटर मिनरल सब कुछ हमको चाहिए. और खटाखट खटाखट ये लोग क्या करी, सब कुछ खींच ले रही हैं. ऊपर बेचारी पत्तियाँ दुखी मुरझा रही हैं, बोलो. और एक दिन इससे प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ. एकदम क्लियर है सबको? सब एक एक बच्चे को क्लियर है? चलो, तो अब इतनी बातों से मुझे इतना समझ में आ गया है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि टी आई प्लाज्मिड क्या कैसे कर रहा है. ठीक है? कैसे आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का टी आई प्लाज्मिड का टी डीएनए वाला रीजन ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है. इज दिस क्लियर? पक्का? फिर मैं आगे बातें करूं? चलो बेटा, यहां पर एक
टुकड़ा होता है जिसे बोलते हैं वीर जीन, वी आई आर, वीर जीन। क्या बोलते हैं? वीर जीन अगर नहीं हुआ तो टी डी एन ए कभी ट्रांसफर नहीं होगा। पूछो क्यों? पूछते ही नहीं, क्योंकि वीर जीन ही ऐसे एंजाइम बनवाता है जो इसको कट करता है इधर और इधर से। समझ में आया? वीर जीन जीन है, आरएनए बनाएगा बिटिया, आरएनए के बाद क्या बनाएगा? प्रोटीन, और यही प्रोटीन मतलब एंजाइम जाकर कट करेगा टीडीएनए वाले टुकड़े को। बोलो भाई, इसका मतलब अगर वीर जीन नहीं तो क्या टीडीएनए की कोई औकात है? हाँ, तो क्या वो ट्रांसफर हो पाएगा? तो क्या ऑक्सीजन साइटोकाइन इतना प्लांट में बढ़ पाएगा? एकदम क्लियर है? बोलो, फिर मैं आगे बातें करना शुरू कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्लाज्मिड को अपने वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया। पूछो कैसे? इस प्लाज्मिड में सबसे खतरनाक चीज क्या है? हाँ, वीर जीन खतरनाक है? वीर जीन तो ट्रांसफर करवा रहा है, टी डी एन ए में भी ऑक्सीजन और साइटोकाइन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन वाला जीन क्या है? खतरनाक। इनमें से एक खराब कर दो तो दूसरा साइटोकाइनिन बनाता रहे घंटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मिलने से ग्रोथ हो रही है। नहीं समझ पाया अब बात? समझ गए? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड निकाला, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड निकाला, ये रीजन था टीडीएनए, ठीक। और बेटा यहां पर मान लो ये ऑक्सीजन वाला जीन था, ये साइटोकाइनिन वाला जीन था, वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन वाले जीन पर लिया कट और इसी में पेल दिया अपना चाहत भरा डीएनए। अब बताओ ऑक्सीजन बन रहा होगा? हाँ, साइटोकाइनिन बन रहा होगा? हाँ, लेकिन ग्रोथ पक्का। और अब इसको डाल दीजिए आप प्लांट के अंदर और प्लांट आपका चाहत भरा आरएनए बनाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर? क्या अब आप सीख गए कैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन के अंदर मौजूद टीआई प्लाज्मिड के अंदर मौजूद टीडीएनए का इस्तेमाल किया हमने अपनी चाहत भरे आरएनए बनाने के लिए या चाहत भरे प्रोटीन बनाने के लिए? क्लियर हो तो ही यहाँ बोलिए भाई, ठीक है। देखो बायोटेक का सीधा उसको होता है, या तो आती है या तो नहीं आती है, इसमें कोई लबेड़ा नहीं होती है। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है या तो आती है या तो वो तो मैक्सिमम को नहीं आती है, मॉडर्न जेनेटिक्स बहुतों को आ जाएगी। मेंडेलियन जेनेटिक्स समझना मुश्किल होता है, आपको नहीं फील हुआ? नहीं फील नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये तो फील हुआ ना कि मेंडेलियन जेनेटिक्स बाप जेनेटिक्स होती है। बेटा वैसे बायोटेक होती है, आज या तो किसी को आएगी या तो नहीं आएगी। और बायोटेक का पहला चैप्टर जिसको आता है उसको फिर दूसरा भी लपेट देता है, वो दूसरे में एप्लीकेशन ही तो है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। पहले बताओ आया या नहीं आया? कोई क्वेश्चन है बिटिया? कोई क्वेश्चन मैन? कोई क्वेश्चन भाई? कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है इसका मतलब? मतलब मैं यहाँ, हाँ प्लीज। नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस बोला जाता है उसको, वो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पूछ लियो तो बोल दे रहे हैं, जो सिर्फ इसी सीक्वेंस को पहचानता है और इस सीक्वेंस को पहचानता है। एक्चुअली वो दो ये दोनों दो डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं, वो दोनों डिफरेंट सीक्वेंसेस को पहचान के कट मारता है, ठीक है। ये एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए नहीं बोले जाते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक फिक्स पार्टिकुलर स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ओके, एनी डाउट? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलें आगे। आइए अब इधर समझिएगा मेरी बात, अगर आप इतना समझ गए हैं तो प्लीज़ मेरी एक सलाह मानिए, इसके एक नोट्स बना लीजिए। हाँ, वीर जीन जो है जो हम इंड्यूस करेंगे मतलब अपना चार भरा डीएनए। हाँ, तो वीर जीन संग संग में होगा, नहीं वो ट्रांसफर ही नहीं होने देगा ना। वीर जीन तो साथ में रखोगे ना, वेक्टर पूरा रखा है, टीआई प्लाज्मिड पूरा रखा है, बस ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन दोनों में किसी एक के बीच में अपना चार भरा डीएनए लगा दीजिए। हाँ वो तो यार फिर वो तो हम लैब में करेंगे ही काम ना यार, लैब में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, फिर उसे कट कराएंगे, फिर चार भरा डीएनए डालकर लाइगेट कराएंगे। बताओ, चलो लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ अच्छा ये मैंने बताया था ना एक दिन कि बैक्टीरियोफेज एनिमल्स के लिए यूज होता है, लिखवाया था ना, याद रखना। बैक्टीरियोफेज को वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं किस केस में, जब एनिमल सेल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। मैकेनिज्म ऑफ, एक लोग कह रहे हैं ऑनलाइन ए हमारे सर, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन, तुम्हारी 2500 रुपया घड़ी कहाँ गई? हाँ? भूल गई मानना बेच आई,
mechanism of infection in several dicot plants. Dicot plant में infection करता है. Mechanism of infection in several dicot, counter line कीजिएगा please. Dicot plants. ठीक है. By agrobacterium tumefaciens. कैसे infection फैलाता है ना. By agrobacterium tumefaciens. अगर तेज लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. By agrobacterium tumefaciens. Mechanism of infection in dicot plant by agrobacterium tumefaciens. By agrobacterium tumefaciens. हो गया. लिखिएगा. एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है. पूरा लिखिएगा, टीआई प्लाज्मिड मत लिखिएगा. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है. पूर्ण विराम, हलंत मत लगाना. क्या लगाना? पूर्ण विराम. लिखा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है. असल में भाई हम ऐसे ही लिखवाते हैं, हमारे शब्द ऐसे ही रहेंगे. असल में ये मत सोचना. माँ कसम भौजाई भी. हाँ देखो, असल में पूरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, पूरा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट के क्रोमोसोम में जाकर नहीं जुड़ता. प्लांट के क्रोमोसोम में जाकर नहीं जुड़ता. बल्कि BULKY. अरे नहीं, हिंदी वाला है. बल्कि TI प्लाज्मिड का एक रीजन, TI प्लाज्मिड का एक टुकड़ा बोल दो. TI प्लाज्मिड का एक टुकड़ा ब्रैकेट में हैविंग सिंगल जीन, हाँ हैविंग सेवरल जीन्स. TI प्लाज्मिड का एक टुकड़ा ब्रैकेट में हैविंग सेवरल जीन ब्रैकेट बन डैश TDNA. उसको क्या बोलते हैं बेटा? TDNA ब्रैकेट में ट्रांसफर DNA कॉमा वीर जीन की मदद से जल्दी जल्दी लिखे. वीर जीन की मदद से जाकर प्लांट के क्रोमोसोम में चिपकता है, वीर जीन की मदद से जाकर प्लांट के क्रोमोसोम से चिपकता है. पूर्ण विराम मतलब समझते हो ना. अच्छा एक होता अंग्रेजी में ना कॉलन, सेमी कॉलन, ईगा. सेमी कॉलन सुना है बेटा? सुना है? कब यूज करते हैं? सेमी कॉलन कब यूज करते हैं बिटिया? तुम लोग तो बताओ, तुम लोग तो अंग्रेज बनती हो. किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, अभी यहीं मारने लगेंगे, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. क्या तुम कॉमा भी यूज कर लेंगे? और बताओ. नहीं, कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में कैसे? पहली बात तो सेमी कॉलन कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में नहीं होता है, कॉमा और कॉलन के बीच में होता है. जब दो क्लॉज होते हैं उनके बीच में सेमी कॉलन यूज होता है. अब मामला पच जाता है, क्लॉज क्या होता है? मजाक होता है, इट्स अ जोक. यस राइट राइट राइट. अच्छा कितने लोगों ने हाई स्कूल में किताब पढ़ी है रेलन मार्टिन? कितने लोगों ने पढ़ी है? तब वो ससुर नहीं बता पाए.
वो रेनन मार्टिन पढ़ ले, उसकी ग्रामर बाप लेवल पर चली जाए। लिखो, हमने भी नहीं पढ़ी है। लिखो, जाकर प्लांट के क्रोमोसोम में चिपकता है, हो गया। टी डी एन ए में ऑक्सिन और मतलब हिंदी की इंग्लिश, और साइटोकाइनिन बनाने वाला जीन पाया जाता है। अब बहुत जल्दी बोलने वाले, एकदम पैनिक की स्पीड बढ़ा लेना। जीन पाया जाता है जिसकी वजह से अब प्लांट सेल में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भरपूर मात्रा में बनता है। बस हो गया, बोल दिए। जिसकी वजह से प्लांट सेल में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भरपूर मात्रा में बनता है। पूर्ण विराम फलस्वरूप मतलब रिजल्ट क्या आया, सेल भयानक सेल डिवीजन करके, सब भयानक वायानक वर्ड लिख दें क्या एग्जाम में जाके, भयानक सेल डिवीजन करके ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेगी। फलस्वरूप सेल भयानक सेल डिवीजन करके, जब भयानक डिवीजन लिख दो, जब पहले सेल लिख दिया, सेल भयानक डिवीजन करके ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेगी। रुको थोड़ा, लड़कियों कॉपी देखें, अगर किसी ने इंग्लिश में लिखा होगा ना भयानक, फॉर्मेशन कर लेगी। सही है, तुम अपना ऊपर रखो कॉपी, आफ्टर सम डे। हाँ ये बात हिंदी में अगर किसी नहीं मिला, आफ्टर सम डे, लड़के तो यहाँ अंग्रेजियों को हिंदी में लिखे होंगे, आफ्टर सम डे ऊपर कर कॉपी। हम चश्मे लगाए, देखो इसका जरा, देख देख के बताओ, हाँ क्या है, हिंदी है। अच्छा, आफ्टर सम डे, हाँ भैया इनको देखो, पागल ये मारे एक थपड़ा, इंग्लिश में लिखी है पाया, पी ए वाई ए पाया, इतनी सी है भटूरा भर की। हाँ भाई दिखाओ, दिख नहीं रहा तो क्या हम बेवकूफ हैं। जाकर जे के आर बेटा, इसको तो हम झाकर भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर सम डे प्लांट बिल्ड आए, यह अभी तुम पूरा उतार दी ना, क्यों ये लड़की, यह अभी उतार दी ना तुम पूरा हिंदी में, नहीं तुम दिखाओ। आफ्टर सम डे अंग्रेजी में इनको हेलो हाय ओके बाय एक्चुअली के अलावा कुछ आता नहीं है। और अभी बताओ अंग्रेजी बतिया रही है उसमें, चलो लिखो। आफ्टर सम डे लड़के अपने सही है, प्लांट को पाला। आफ्टर सम डे प्लांट विल डाई ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल मत बोला करो, बी स्मार्ट ब्रो, न्यूट्रिएंट्स खत्म। बीएससी का एग्जाम है तो विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं और बढ़िया, ग्लूकोज गैलेक्टोज माल्टोज हो गया। हाउ टू मेक, अगला हेडिंग है हाउ टू मेक टीआई प्लास्मिड एज अ वेक्टर। हाउ टू मेक टीआई प्लास्मिड एज अ वेक्टर, ओके ओके यो या हाउ टू मेक टीआई प्लास्मिड एज अ वेक्टर। लिखिया बैठा भैया, लिखिया चलो ठीक है। अगला लिखो भैया, लिखो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड या टीआई प्लास्मिड, सीधे लिखो टीआई डैश प्लास्मिड के टी डीएनए पर अपनी चाहत भरा डीएनए लगाकर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड के टी डीएनए पर अपनी चाहत भरा डीएनए लगाकर हम उसकी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को, बदतमीजी कर रहे हैं क्या हम, कह रहे यस सर, मरबो करेंगे तुमको। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड टीआई प्लास्मिड
कि टीडीएनए पर अपनी चाक भरा डीएनए लगाकर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को इनएक्टिवेट कर देंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी को इनएक्टिवेट कर देंगे। लिखा भैया, ए भैया लिखा ना है, कहाँ है? क्या टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए पर अपनी चाह भरा डीएनए लगाकर उसकी टीएनए ट्यूमर उसको हाँ ख़त्म कर दें, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देंगे, ठीक है हाँ, इनएक्टिवेट कर देंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देंगे। हाँ हाँ प्रोग्राम, नाउ वी कैन यूज, नाउ हिंदी वाला भाई, नाउ वी कैन यूज या चूज, ओके नाउ वी कैन यूज ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड, सीधे लिखो टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, भैया हो जाए तो बताओ, बोलो। नाउ लेट्स स्टार्ट द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस गाइस। अब समझ में आएगा आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी क्या है, समझना है पक्का। पहले हम सीखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस क्या, बिल्कुल अलग एज अ टॉपिक, फिर उसका हम इस्तेमाल करेंगे बायोटेक में। चलो इधर देखो बेटा, देखो बेटा ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है, इतना जरूर समझ में आ रहा है आरएनए इंटरफेरेंस अर्थात किसी आरएनए, सुनो तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात को समझिएगा, किसी आरएनए की मदद से, क्या बोला, किसी आरएनए की मदद से दूसरे आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकना, इंटरफेयर करना, बाधा करना, उंगली करना, समझ में आया, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस। सर कैसे हुआ, कैसे हुआ, रुक जाओ बात अभी शुरू हुई है, दूर तलक। किसी आरएनए की मदद से दूसरे आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोकना, क्या मेरे क्या इसके कहने से रुक जाएगा क्या? कुछ नहीं, ये वाला आरएनए क्या करेगा, इस आरएनए को काट डालेगा। क्या बात कर रहे हो सर, आरएनए तो एकदम एंजाइम की तरह काम कर रहा, बिल्कुल, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, समझ में आया, आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है। इधर किसी आरएनए की, जितना बोले बस उतना ही सुनना, किसी आरएनए की मदद से दूसरे आरएनए को प्रोटीन बनने के लिए प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, हाँ इंटरफेयर करना, बोलो एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार, पक्का यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब मेरी बात समझना, ये अब सिंपल सी मैंने बात बोली, अब आरएनए इंटरफेरेंस की मैं 43 पेज की समरी आपको सिर्फ एक पेज में दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए, क्या बोला मैंने, हाँ मान लीजिए, मानिएगा ये कोई डीएनए है, क्या है, हाँ क्या बेटा, हाँ हाँ डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से बन रही एक जहरीली प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है जहर, टॉक्सिक प्रोटीन। आपको पता है दिन भर में हमारे बॉडी में अरबों रिएक्शन चलती है और कई बार गलत आरएनए बन जाता है, और अगर उस आरएनए ने प्रोटीन बना दी ना तो आपकी मौत हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ अरबों में एक आध मिसयूज तो हो ही जाती है, अरबों रिएक्शन चलती है तो अरबों बार एंजाइम बनाओगे, एक आध बार गलत आरएनए बन गया और मान लो प्रूफ रीडिंग सही नहीं हुई और अल्टीमेटली क्या होगी, एक जहरीली प्रोटीन बनेगी और आपकी क्या हो जाएगी, मौत। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, हाँ क्योंकि हमारी बॉडी ने इसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखा है, लड़ने का एक तरीका लगा रखा है, हम यूकैरियोट हैं कि प्रोकैरियोट, अच्छा हमने एक लड़ने का तरीका लगा रखा है, वो लड़ने का तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस हमको बचा लेता है, वरना अगर आरएनए इंटरफेरेंस कह दे एक दिन तक आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म नहीं चलेगी, यकीन मानिए आप पिला गए पक्का, ऐसे क्लास में बैठे 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 पलट जाओगे, पोस्टमार्टम में आएगा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था, ब्लड में मिला,
क्योंकि वो टॉक्सिक प्रोटीन बन इसलिए जाती है क्योंकि कई बार गलत आरएनए बन जाता है। तो जैसे गलत आरएनए बनता है तो भाई साहब इस आरएनए को किसी आरएनए की मदद से हम तोड़ देते हैं। और बेटा आज समझ लो, हम फिर कह रहे हैं फिर समझ नहीं पाओगे उसको, ज़िंदगी में बता रहे हैं, किताब गूगल पूगल कुछ कर लो तुम, हम बड़ी मोहब्बत से समझा रहे हैं तुम्हें, इस आरएनए को किसी आरएनए की मदद से हम तोड़ दें। और जैसे ही तोड़ेंगे तो प्रोटीन बन पाएगी, बोलते ही नहीं आप लोग, नहीं बन पाएगी, क्लियर। अब जैसे मान लो इस डीएनए पर सीक्वेंस लिखा है, क्या मैं प्लीज़ डीएनए को सीधा कर लूँ? हाँ, क्योंकि सही बताए ना, ऐसे वाले डीएनए में हम खुद ही चक्री आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सीधा कर लोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। इधर बिटिया तुम लोग चाहे सीधा कर लो, चाहे उसको खड़ा कर दो, चाहे लटा दो, चाहे बैठा दो, तब भी नहीं आएगा। इधर आओ बेटा, अगर आप मैं जेंटिक्स यूज़ कर सकता हूँ? नहीं यूज़ करूँगा तो भी समझा दूंगा, लेकिन यूज़ करूँगा तो और मज़ा आएगा। करें ये 3 प्राइम तो यहाँ पर 5, ये 5 प्राइम तो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कोड है ACG, तो यहाँ पर होगा TGC, सही है? अच्छा, किसे हम, कौन हमारा टेम्पलेट स्टैंड बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोलते ही नहीं हो यार, 3-5 वाला पता होगा ना बिटिनी, तुम बताओ कि कैसे खड़ी हो जल्दी, तेरा ज्यादा हिलडुल के खड़ी होती हो इधर। हाँ तुम पूछेगी नहीं पापा प्रॉपर्टी कितनी है? अरे पूछो भाई, इधर आओ, ये बताओ 3-5 वाला तुम्हारे हिसाब से टेम्पलेट है, उसी को देखकर आरने बना रहा होगा डीएनए पॉली मरेज, भूल गए क्या? यस सर, तुम्हें कैसे पता? नौ घंटा लाओ, याद आ जाए जल्दी। प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन करा रही हो क्या? ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा यहां पर। आरएनए पॉलीमरेज खोलता जाता और आगे बढ़ता जाता है, खटखट खटखट, बताओ क्यों उधर ही से होगा? लाओ भाई नवाब डंडा लाओ, लाओ याद आ जाएगा भाई, बहुत जल्दी याद आता है इसको, जल्दी बताओ बहन, जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। अच्छा हल्की सी हिंट थे, चेन हमेशा किधर से किधर बनती है? 3-5 या 5-3, चेन किधर से किधर बढ़ती है? नया न्यूक्लियोटाइड किधर जोड़ोगी, 3 प्राइम पे कि 5? 3, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ 3, तो चेन हमेशा किधर जाएगी, 5-3। अब देख के बताओ, अब सोच लो आराम से, कॉपी पे करना लड़की। तुम बहुत जमाओ मार्क कोचिंग आते हो भैया? नहीं सर, मतलब बूसट वूसट बाल वाल बकलोल लगते हो? हाँ ना, तुम पढ़े हो ना मॉलिक्यूलर? थोड़ी पढ़ा। हाँ बताओ। हाँ मैडम बतियाएंगी, हमको याद नहीं आ रहा है, इधर याद दिलाएं। पगलिया एंटी पैरेललिटी का सिद्धांत लगेगा, अगर यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा, मान लो नीचे वाले को अगर हम मान लें ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब जिसको देखकर हम डिसाइड करें, दिशा निर्देश देने वाला स्टैंड टेम्पलेट, तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड लगेगा 5 के सामने, इधर 3 आएगा इधर 5 आएगा, तो अगला न्यूक्लियोटाइड इधर थोड़ी जोड़ सकती हो। अब याद आया, आया कि नहीं आया? अब बताओ फिर ऊपर वाला क्यों, ऊपर वाले स्टैंड को क्यों हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ प्राइमर नहीं रे, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर ट्रांसक्रिप्शन में नहीं लगता, डीएनए रेप्लिकेशन में लगता है भाई। हाँ हाँ भाई, प्राइम इधर रहेगा, 3 प्राइम इधर रहेगा। हाँ तो जुड़ता चला जाएगा, बैठो इधर सुनो, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो अभी कुछ बताया नहीं क्लियर करने लायक, समझ में आया? इधर देखो बेटा, अब बेटा इधर समझना अच्छे से, अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोटीन ना बने तो आरएनए को ट्रांसलेट होने से रोक दो। अब ACG के सामने यहाँ पर बताइए क्या आएगा, UGC? यस सर और नो सर? यू जी सी है ना,
अब प्लीज ये मत पूछना वहां मैं कितना फटाफट फटाफट लिखूंगा, लेकिन आप कुछ चुपचाप सुन लेंगे, मेरी बात इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आइए इधर देखिए, ये मैंने लैब में एक डीएनए का सीक्वेंस बनाया, ठीक, कुछ और कलर कर लेता हूं। ये मैंने लैब में एक डीएनए का सीक्वेंस बनाया, एंड द सीक्वेंस इज ACG and TGC, ओके। अबे मेरा सीक्वेंस मैं चेंज हो करूं तो पागल है क्या, हंस रही मेरे ऊपर। ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, पक्का। 3 prime, 5 prime, 5 prime, 3 prime, ये मैंने लैब में बनाया है, खुद सिंथेसाइज किया है, और भी लंबा सा सीक्वेंस है, ठीक है, खूब लंबा सा ये भी गया है, मैं सिर्फ इतने के साथ दिखा रहा हूँ, हट जाओ भाई, ठीक है, इधर मैं सिर्फ इतने के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, बोलो यार, लंबा सीक्वेंस है भाई, अभी पता चलेगा तुम्हें बाद में क्या कहानी है, अभी बात शुरू हुई है। हाँ जाएगी, पहले जाने दोगे, अब मेरी बात समझना बेटा, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा दिया मैंने, और यहाँ पर एक प्रमोटर लगा दिया, और यहाँ पर एक टर्मिनेटर लगा दिया, यहाँ पर एक प्रमोटर लगा दिया, पहले समझ पाए, प्रमोटर टर्मिनेटर, प्रमोटर टर्मिनेटर, पक्का पक्का, ओके। ऊपर वाला टेम्पलेट बनेगा कि नीचे वाला, बोलो ACG कैसा RNA बनाएगा, जल्दी से बताइए। अबे यही RNA खड़ा करके बना रहा हूँ, क्या बनाएगा, UGC, इज दिस क्लियर, ओके। TGC कैसा RNA बनाएगा, ACG, पक्का। अच्छा, अगर ये 3 prime है तो ये 5 prime, अगर ये 5 prime होगा तो ये 3 prime। आप गौर से देखिए, दोनों RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ या ना, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद 3 prime, 5 prime, 5 prime, 3 prime, UGC ACG, और ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड RNA। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पूरी जो गतिविधियाँ चल रही ना, सिर्फ इसको काटने के लिए चल रही है, समझ में आया? क्योंकि वो गलत बन गया है, जैसे वो गलत बनता फट से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या बोला, डबल स्टैंडर्ड RNA। सर वो आपको सीक्वेंस कैसे इतना पता था कि यही लिखना है, अभी बताएंगे ना, ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया है? बोलते ही नहीं है यार, सामने देख लो बेटा, सीख नहीं पाओगे जिंदगी में, मौका मिला है आखिरी, इधर आओ। कहा है सर हमारी मौत होने वाली? अरे नहीं यार, यही सीखते रहोगे क्या बार बार? इधर देखो, ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA है, मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड RNA, 70 प्रोटीन का समूह होता है, ठीक है, मैंने बोला था अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा डैश, अभी कुछ बोल लेता है शुरू में मैं ऐसा कुछ, तो वो 70 प्रोटीन का समूह मिलकर कहलाता है डाइसर, क्या कहलाता है, और 113 प्रोटीन का समूह है जो मिलकर कहलाता है आर्गेनॉट, तो 70 रिएक्शन वो चलवाएगा, 113 रिएक्शन वो चलवाएगा। ये सर बदतमीजी की बात हो गई सर, 70 रिएक्शन वो चलवाएगा डाइसर, फिर उसके बाद 113 चलवाएगा आर्गेनॉट, और उन 113 + 70 183 रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनाने जा रहा हूँ। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? 70 वो चलवाएगा, 113 वो चलवाएगा, देन आएगा रिजल्ट। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कोई माई के लाल बता देगा? अपने केमिस्ट्री के टीचर कहते नहीं कि बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो तो मैं उसकी स्टेप्स लिख दूंगा, तुम यही वाली दे देना, अगर लिख दिए जो कहो वो हार जाएंगे। 183 स्टेप के बाद का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा समझना, ये इतना ही लंबा थोड़ी होगा, मैंने कहा था बेटा अगर ये DNA बहुत लंबा होगा मान लो, तो ये RNA भी बहुत लंबा होगा। एक्चुअली में प्रमोटर यही नहीं होता, प्रमोटर बहुत आगे होता है, ठीक है, उसके पहले बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। चलो हम तुमको दिखाने के लिए प्रमोटर दूर भी करते, नहीं बाद में तुम चरस करोगे हमारे, क्या करोगे बेटा? हाँ बेटा, ये बेटा बहुत ही पवित्र चीज है, ठीक है। इधर टर्मिनेटर भी खूब दूर कर दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे क्या था, TGC। सर हम एक चीज देख रहे हैं, आप थोड़ा उधर से कुछ ताड़ रहे हो। अबे ACG TCG हमने वही देख के लगाया ही था, TG, अरे कलर चेंज, अरे अरे अरे, 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 अरे
यहाँ लगा दिया टर्मिनेटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हो तो बताना, इलाज करा देंगे। ये भी तो फिर आरने भी बहुत लंबा होगा, बोलो। अब इस आरने को डाइसर आर्गेनॉट मिलकर आफ्टर 183 रिएक्शन प्रोडक्ट देते हैं। आरने काटोगे तो बनेगा क्या? ब्रेड काटोगे तो क्या बनेगा बे? ब्रेड काटा, आरने काटा, प्रोटीन बने। हद है भैया, हद है। ए बहन समझाओ इन लोगों को, कुछ समझाओ। अब ब्रेड काटोगे तो ब्रेड के टुकड़े बनेंगे और क्या। तो अगर डबल स्टैंडर्ड हम आरने को कट करेंगे बे, अब आरने ट्रांसलेट होता है तो प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पर तीन डबल स्टैंडर्ड आरने बनते हैं, उनके टुकड़े सिर्फ तीन बनते, बहुत सारे हैं आपको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ तीन। मतलब कट कहीं से लगा, कहीं से लगा, कहीं से लगा, कहीं से लगा, तो टोटल हमें मिलते बहुत सारे हैं, पर हम कितने जानेंगे? सिर्फ तीन। हाँ हाँ, तीन। एक कहलाता है SiRNA। सर फुल फॉर्म मारेंगे अभी, गिराएंगे अलग। एक कहलाता है SNRNA और एक कहलाता है HNRNA। सर अब मुश्किल होता जा रहा है, क्या मुश्किल बढ़ती जा रही है क्या? जल्दी बताओ। हाँ और बता दें, और बनता है इसमें, एक बनता है MIRNA, और बताएं इधर इधर सुनो, इधर इधर नहीं, काम क्या है बेटा, उनके बगैर कुछ होता नहीं, लंबी मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन और देखो क्या क्या बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, और बताओ, और बताएं इधर। मतलब सिर्फ मुझे किससे है? SiRNA से। एकदम क्लियर है? अब बेटा SiRNA, ये मान लो ये टुकड़ा है SiRNA का, तो मुझे लिखवा दीजिए 3', 5'। हाँ, UGCACG। सब मेहंदी लगाते थे क्या आप शादियों में जाके? इधर देखो, ये समझ गए ना बात को, SiRNA। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये दो स्ट्रैंड हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर मैं किसी एक को सेंस स्ट्रैंड बोल दूं, तो दूसरे को नॉनसेंस। अरे अच्छा, नॉनसेंस काहे हंस रहे हो यार तुम लोग, और डरा रहे हो हमको, कोई बात है क्या? कोई बात हो तो बताओ, दूर तक लग जाएगी, बताओ। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा इन दोनों स्ट्रैंड को एक प्रोटीन आके कट मारता है, ठीक ठीक, और वो भी सिंगल स्टेप में कट नहीं है, ठीक है। कई सारे प्रोटीन, कोई बॉन्ड कोई प्रोटीन तोड़ेगा, कोई बॉन्ड कोई प्रोटीन तोड़ेगा, मतलब ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। सर समझ गया सर, कहीं चीज चल गई, बीच से बात खत्म ना बेटा। अब ये दोनों के दोनों स्टैंड क्या हो गए? अलग। आहा, एक पे आएगा UGC, एक पे आएगा ACG। पक्का? अब आओ बेटा वापस मेरे करण अर्जुन आ गए बेटा, इधर देखो करण एंड अर्जुन। अब मैंने इन दोनों से पूछा, चाचा ACG जाके चिपक सकता है कि UGC जाके चिपक सकता है? ACG। अब ACG जाएगा इससे, चिपकेगा, ठीक पक्का? कुछ लोग करण अर्जुन सीधा यहीं चिपका देते, ठीक है। नहीं बेटा, फिर ये सब नहीं बनता ना, बगैर इनके कटिंग नहीं होगी। नहीं समझ पाए, ये सब मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हो बात को? अभी हम गुस्सा दोगे तो अभी हम डिटेल में घुसने लगेंगे, अभी घुसे पक्का? नहीं सीरियसली, बहुत जानने की इच्छा हो रही है तो तुम्हें अभी ऐसी तीव्र इच्छाओं का कोई मतलब नहीं जो हमारी तीव्रता कम कर दे। अब ये जाकर जब चिपकेगा तो बेटा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? UGC एंड ACG पक्का। इनकी मदद से ये इसको कट कर देगा, पक्का। आरने कटेड, प्रोटीन बनी, बोलो। अरे सर सीधा यहीं जो एक तो बना लिया, यहीं जा चपक जाता। अरे भाई तो ये ना बनता ना सर, तो ये कैसे बना? 183 स्टेप के बाद
ठीक है, बहुत छोटा लिखते थे बेचारे, उन्होंने 183 स्टेप जो समझाई है मात्र 20 पेजों में लिख डाली उन्होंने। तो उसके बाद क्या चला, उसके बाद ये मैकेनिज्म चली है कि ये दोनों कैसे कट हुए, फिर जाकर चिपका कैसे, वो तो हम हाईलाइट करें, टोटल उसमें 15-20 लाइन वह उतना ही हम आपको बताते हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी आप लपेट दोगे एक बार के अंदर। पहले बताओ यहाँ तक बातें क्लियर है? इस तरीके से हम जहरीले प्रोटीन को बनने दिए या नहीं बनने दिए? हाँ पक्का खड़ी हो बहन, एक्सप्लेन कर सकती हो? हैं क्या बात है, कर दो बहन, लो डायग्राम तुम्हारे सामने है, एक्सप्लेन करो। हाँ बताओ, पागल हो, प्रेशर तो बनाएंगे बहन, बताओ। हम स्टार्टिंग दे दें? चलो ठीक है। एक गलत आरएनए बन गया जो टॉक्सिक प्रोटीन बना सकता था, मुझे रोकना है उस आरएनए को बीच में ही, ठीक है, तो मैं किसी आरएनए की मदद से इसे कटवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक डीएनए का सीक्वेंस तैयार किया, वैसे हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। हाँ अब हम चुप हो जाएं तो हमें चुप कराओगी? हाँ आपने इस हिसाब से उसकी सेटिंग बनाई कि वो उस पर जाकर एक चिपक जाए, मतलब आपने उधर भी एक यूसीजी मारा और मतलब ये दोनों वाले आपने उधर एक स्टैंड लिख दिए, तो दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। नहीं समझ पाए? अच्छा अरे भाड़ में क्या, वो भूल जाओ, अब आगे बताओ जो भी बोलोगे मैं कहेंगे भाड़ में क्या, अब आगे बताओ। हाँ आगे प्रमोटर टर्मिनेटर लगाया, लंबा सा टुकड़ा था, दो कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल गए? हाँ भूल जाओ, सीधा कट लिया। हाँ नहीं सही, भूल जाओ वो सब नहीं, ढाई सर फाइव सर काम पूछ रहा क्या? नॉन सेंस, और एक को नॉन सेंस बोलेंगे, तुम्हें नॉन सेंस बोल दिए तो हम क्या हो गए? सेंस। हाँ गुड, अब बेटा ये जाकर क्या होगा, इसे कोई आएगा कहीं से दूर से आएंगे, चचा आएंगे, चचा जो हमारे विधायक हैं जालौन में, तो इधर वो उसको क्या करेंगे, बीच से कट करेंगे और ये इकवा जाकर चिपकेगा और चिपकने के बाद इनकी मदद से खट 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 कटिंग चालू। अरे यार इतनी बात एकदम क्लियर नहीं सीख पाए मेरा मानना है। तो आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से हम अपनी बॉडी में बन रहे जहरीले जो प्रोटीन्स हैं उनको हमारी बॉडी ख़त्म कर देती है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता है। और मजे की बात पूछो क्या, कि हमारी बॉडी को ये पता है कि कौन सी गलतियां हो सकती हैं, तो ऑलरेडी उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में सीक्वेंसेस मौजूद हैं। और गजब की हार्मनी देखिए, गड़बड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाता है, गड़बड़ी होती है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। सर कैसे, ये नहीं पता, गलती हुई नहीं, और वैज्ञानिकों ने देखा है कि डीएनए आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है, और पता नहीं उधर जाके कौन बता देता, हुजूर गड़बड़ी हो गई। और मजेदार बात सुन तो लीजिए आप, मजा आ जाएगा आपको, बताएं आरएनए पॉलीमरेज खत्म भी नहीं कर पाते, बीच में गलती कर गए ना, इधर से ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से खड़ा होता है। मतलब सोचिए तो आप, सोचिए पहले इस बात को सोचिए, मतलब मान लो आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है, खट 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 खट, अरे ठीक, खट 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 खट, कहीं गलती हो गई, ठीक है, तो गलती हो गई तो वो खट 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 आगे खटखटा तो रहे हैं, लेकिन उधर से फट से इधर से दो आरएनए बनेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, 183 रिएक्शन, SIRNA खट से दोनों अलग हुए और एक आकर यहीं पर खड़ा हो गया। हाँ भैया जल्दी हो गया खटखट, बताओ फिर तोड़े। हाँ भाई अजीब सिस्टम है यार, ये बॉडी का एक नोवेल मैकेनिज्म, नोवेल मतलब अद्भुत मैकेनिज्म है ना। तो सर इसकी मदद से हम आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जहरीली प्रोटीन हो उसको बनने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, यही बायोटेक में हम यूज़ करेंगे। पहले बताओ आरएनए इंटरफेरेंस सीख गए हो? मेरा मानना है डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से हमने क्या किया है, किसी आरएनए को साइलेंट कर दिया है। साइलेंट मतलब तुम प्रोटीन बनाओ, हाँ एकदम क्लियर है, बोलो भैया
क्लियर है, बैठो। चलो आरएनए इंटरफेरेंस लिखना चालू कीजिए। सीख गए यार, बड़ा अच्छा सीख गए। किसी पार्टिकुलर लिखो, आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से तोड़वाना ताकि वो प्रोटीन बना दे। प्रोटीन बना दे क्या बेटा? प्रोटीन बना दे, ऐसे बोल दिया करो। प्रोटीन बना दे, तोड़वाना या उसको साइलेंट करना बोल दो। या उसको साइलेंट करना, आरएनए इंटरफेरेंस इज एन एडाप्टेशन। अगला पॉइंट, इन ऑल यूकैरियोट्स। समझ पाए? बहुत नुकसान की चीज है हम लोगों के लिए ना, फायदे की। सर नुकसान की उस दिन होगी जिस दिन हमारे कोई काम भरा आरएनए तोड़ने लगे ना। बोलो पीलीभीत। इज एन एडाप्टेशन हाँ क्या हो गया? इज एन एडाप्टेशन इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। और कैसे हैं? बढ़िया है, उधर चलिए फिर। इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, चाय भी लेना। इन ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर लिसिस, सेल को तोड़ना। अबे पागलो, सेल को तोड़ना कि सेल को बचाना? हाँ तो लिखो सेलुलर डिफेंस। तुम फिर कपड़ा चेंज किए? तो इसको अब 7 दिन रिपीट करो। हाँ, आपकी टेस्ट पेपर में यही कपड़े में दिखोगे और रोज यही दिखोगे। बेटा जिस दिन कपड़ा चेंज करे बताना जरा, हम इनको थूरेंगे। एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ओके। दिस मेथड, अगला पॉइंट, इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ एवरी एमआरएनए ऑफ सेल। गुड, बच्चियां ज्यादा अच्छे आंसर देती हैं। तो तुम्हें बच्ची तो बोल रहा हूं मैं। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। समझ पा रहे हो कि बस लिखे जा रहे हो? समझ रहे हो भैया? हाँ समझ रहे हो ना? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री थे ना तो दोनों, डबल स्टैंडर्ड आरएनए डेड बाइंड, जो चिपकता है, एंड प्रिवेंट, और रोकता है ट्रांसलेशन, एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ट्रांसलेट नहीं होने देता ना प्रोटीन में, काट डालता है, फाट डालता है, चीट डालता है। एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ब्रैकेट में साइलेंसिंग। भैया हो जाए बता दो, हुआ कि नहीं? पक्का बोलो। चलो हो गया। लिखो सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम लोग को कहां से मिल सकता है? या सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लिख दो। ये बेटा रटना है आपको सीधा सीधा। सोर्स, पहला रिट्रोवायरस अर्थात आरएनए वायरस। पहला क्या है? रिट्रोवायरस। लिखा? हिंदी नहीं लिख रही हो तुम? रिट्रोवायरस हो गया। अगला, दूसरा,
ट्रांसपोजॉन्स। सर वो तो ठीक था, स्पेलिंग बोल देते तो सही था। TRANSPOSONS ट्रांसपोजॉन्स। BSC डाली हो क्या? BSC का एग्जाम डाला है? नहीं डाला तो नकल करने वाली स्पीड कैसे है तुम्हारी? ब्रैकेट में जंपिंग जीन, ऐसे नकल करने वाले नहीं लिखते, थर 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 जंपिंग जीन। कितने लोग पर्चीज नकल किए आज तक? हाँ तो ऊपर करो, पर्चीज नकल किए हैं? अरे पर्ची पर्ची बेटिया, तुम लोग पर्चीज नकल नहीं करी हो, झूठ ना बोलना। अरे बा बेटा लिखो लिखो बहन, जंपिंग जीन ब्रैकेट बंद। बेटिया तुम में से बताओ कितने लोग नकल किए हैं पर्ची से? क्या नहीं किया? सीधा गाइड तुमने किया है ना? कभी नहीं, कभी नहीं। हटो तुमने, ये लोग इतनी शरीफ बनती है ना एग्जामिनेशन, हाँ एग्जामिनेशन हॉल में। प्लीज़ प्लीज़ हमें याद है ना, प्लीज़ साहिल दिखा दो, प्लीज़ साहिल इधर, भूल जाओगी फिर। एहसान याद रखो तो कोई बात है, इधर और क्या, इधर हम सही बात, हम कभी नहीं दिखाते, कभी नहीं नहीं लड़कों को दिखाते तो भाई चारे में तो हम पूरी कॉपी वाला कॉपी मेरी ट्रेवल कर जाए, लेकिन हम बता देते तो नो फीमेल कैंडिडेट इज अलाउड है ना। और क्या, भूल जाओ, कभी टिफिन मांगो तो मुंह बनाओ चार कोने का। चलो अगला, मतलब होता दो का है पर चार बना लेते हैं। देखो अगला, जंपिंग जीन हो गया, बस थोड़ा सा ट्रांसपोजॉन समझना क्या होते हैं। और प्लीज़ इसे ज़्यादा डिटेल, एक एक इमरजेंसी है, उठा ले भाई, मैं उठाता नहीं, देखो कभी कॉल उठाता हूँ कभी नहीं, तो हाँ सर वो तो हम लोग कब नहीं उठाते, थोड़ा सा मामला इमरजेंसी का है, ख़राब हो जाएगा। सोचे इधर आओ, अरे यार तुम तो हमारा तलाक करा दो कि पूजा मैम, तुम लोग इतना पूजा मैम उसमें धर दिए ना, कम से हमारी पत्नी पूछ रही है ये बात, बताओ भैया ये पूजा मैम कौन है? भैया भैया ही बोलते हैं हम लोग एक दूसरे को, हाँ तो आपसे पूछ के बोलेंगे भैया, भैया इन द सेंस ऑफ एक रिस्पेक्ट होती नहीं है, भैया भैया एक समझते ही नहीं हो यार। मम्मी भी तो बोलती हैं भैया क्या कर रहे हो, तो इधर मेरी बात समझना, इधर तो ये दो क्रोमोसोम है ठीक है, ये DNA का टुकड़ा है, अगर इस टुकड़े पर जाना चाहता है, कुछ टुकड़े होते हैं जो इधर से उधर जंप करते हैं, भाई आप क्या नहीं है ज़्यादा तो उतना ही बता रहा हूँ जितना काम का है, तो DNA उड़ के तो जाएगा नहीं ठीक है। DNA पहले बनाता है RNA, सर ट्रांसक्रिप्शन हुआ और RNA दोबारा बना लेता है DNA और जाकर चिपक जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, कम ऑन ट्रांसक्रिप्शन देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मेरा मानना है ट्रांसपोजॉन जंपिंग जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RNA, बीच में क्या बन रहा है RNA इंटरमीडिएट, बोलो यार बस खत्म हो गया, इसे लिख लो DNA से RNA से DNA बस खत्म। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। किसका बर्थडे है आज? हाथ ऊपर सर का है, सीरियसली किसी का बर्थडे है आज बताओ, हाथ ऊपर करो यार, जिस दिन जैसा रहा करे प्लीज कुछ बटर चिकन विकन भेजा करो। हमारा 24 अप्रैल को है, उस दिन क्लास बंद कर देंगे। बहुत मज़ा आया मुझे RNA इंटरफेरेंस पढ़ाकर, बड़ी आसानी से तुम लोग सीख गए। तुम लोगों ने डायग्राम तो बनाया? हाँ, डायग्राम नहीं बना तो फिर गलत हो जाएगा। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर, ना ना हो गया। चलो नेक्स्ट आइए, अब RNA इंटरफेरेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, एक प्लांट को बचा लेंगे। हाँ क्या बता दें, जंपिंग जीन ज़्यादा बताया ही नहीं ना, DNA है, DNA जंपिंग मतलब जो जीन जंप कर जाए एक क्रोमोसोम से दूसरे पर, कुछ जीन ऐसे होते हैं तो उन्हें ट्रांसपोजॉन्स भी बोलते हैं, जो ट्रांसफ़र हो जाए। तो DNA इधर से इधर डायरेक्ट नहीं जाता है, DNA से पहले क्या बनता है mRNA, और mRNA फिर बना लेता है DNA और वो जाकर चिपक जाता है, समझ में आए? तो ये DNA तो वही बनेगा ना, अगर उसी DNA से RNA बनाई तो उसी RNA जब DNA बनाओगे तो DNA भी तो वही बनेगा। इस तरीके से जीन हमारा क्या हो गया, जंप कर गया, बस सिंपल, इतनी बातें क्लियर, बोलो यार खत्म। नेक्स्ट आइए, एक नीमाटोड है, नीमाटोड क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। सुनो नीमाटोड है, नीमाटोड को हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं ठीक है, अगर तुमने सुना हो फाइलम एस्केलमेंथी, सुना है? एक नीमाटोड है, नाम है मिलाइडोगाइन इनकॉग
निशिया, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा पढ़िए ज्यादा सही है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया या इनकॉग्निटा पढ़िए ज्यादा सही है, ठीक है। अब बेटा इसका काम क्या होता है समझना, ये क्या करता, मुझे इस प्लांट से बहुत नफरत है, पूछिए क्यों, क्योंकि ये तंबाकू के प्लांट को खराब करता है, ये टोबैको प्लांट की रूट पर अटैक करता है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। अरे तो क्या हुआ सर, तंबाकू तो पत्ती से मिलती है, आपको क्या टेंशन, वाह रूट खराब तो प्लांट कहाँ बचेगा, बोलो भैया। अब बेटा ये करता क्या है, तंबाकू के प्लांट की रूट में जाता है, ठीक है, क्या बोला, तंबाकू के प्लांट की रूट में जाता है। तुम लोग ने आर एन डिफरेंस लिखा कि नहीं लिखा, अभी नहीं लिखो, उसको पहला काम उसको लिखो। अभी मान लो लाइट चली गई तो इधर इसको लिख लो बेटा, लिख लो यार, तब तक हम चाय पी लेंगे भाई, इधर लिख लो भाई, कब पहली बार हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मामला सीरियस है, गंभीर हो जाएगा। आवाज़ 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 आ रही है, आ रही है, हाँ इधर। तो बेटा इधर देखो, मिलाइडोगाइन, दोबारा बोलने ऑनलाइन वालों, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है, इसको अगर मुझे मारना है तो कोई इसके अंदर बनने वाली कोई बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन को हम लोग क्या करें, ना बनने दें तो मर जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया ये है डीएनए का सीक्वेंस, उस समय पता चल जाएगा आरएनए का सीक्वेंस, और उस हिसाब से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए अपना बना लेंगे, और उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाने के लिए हम अपने हिसाब से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए, पहले मेरी चुप रहो, मेरी बात सुनो, चुप रहो। मिलाइडोकाइन इनकॉग्निटा नाम के राउंड वॉर्म में या नीमाटोड में बोल दो, एक ही बात होती है, उसकी सेल में एक प्रोटीन चाहिए जो उसके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो प्रोटीन बन रही होगी मतलब आरएनए भी होगा, अगर इस आरएनए को बीच में तोड़ दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इस आरएनए को देखकर हमने अपना डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दिया, वही सेंस और नॉनसेंस। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए हमने डीएनए का एक सीक्वेंस बना लिया कि भाई ये सीक्वेंस ये वाला आरएनए बनेगा, ये सीक्वेंस ये वाला आरएनए बनेगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर है, पक्का पक्का। अब हमने क्या किया, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, जिससे हमारा ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा जो जाकर काट देगा उस प्रोटीन को बनाने वाले एमआरएनए को जो नीमाटोड के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। और साथ में हमने यूज किया वेक्टर, और वेक्टर का नाम था टीआई प्लाज्मा, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन वेक्टर बोल दो, है ना, बोलो भैया। और हमने इसको इंट्रोड्यूस किया प्लांट में। अब प्लांट में अगर नीमाटोड घुसेगा तो वो प्रोटीन बनाने की कोशिश के लिए करेगा, उसके लिए एमआरएनए बनाएगा, लेकिन तब तक हमारा डीएनए दो ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा जो उसको ले जाकर क्या कर देंगे, कट। नहीं समझ पाया बात को, तो अब मेरा मानना प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब हम साइलेंट कर देंगे, साइलेंसिंग हो जाएगी ऑफ 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 आरएनए व्हिच मेक्स प्रोटीन एसेंशियल फॉर नीमाटोड। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? अब नीमाटोड से मेरा टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट हो गया या नहीं हुआ? बोलते नहीं हो यार, हो गया। एक बड़ा टॉपिक हमने निपटा लिया, पहले बताओ यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हो गई हैं? पक्का, बस खत्म, अगले लेक्चर में आधे लेक्चर भर में पूरी सब कुछ खत्म कर डालेंगे। आओ जाओ बेटा इधर, अब इसे छाप डालो इधर। हाँ पहला पेज, दूसरा पेज, हुआ या नहीं हुआ? अच्छा थोड़ा खड़े हो जाओ ना, बड़ा छोटा वाला सिस्टम देखो, क्या क्या चीज़ क्या चीज़। मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा है, वो तंबाकू के रूट में इन्फेक्शन करता है, रूट में कि शूट में? रूट में। मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा के अंदर एक प्रोटीन बनती है, और ये प्रोटीन जो है उसके जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन के लिए कोई ना कोई उसमें डीएनए का सीक्वेंस भी होगा, डीएनए के लिए कोई ना कोई आरएनए होगा। हमने उस आरएनए को देखकर अपना ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया जो अलग होकर जाकर इससे चिपक कर इसको तोड़ डाले। याद आया आरएनए इंटरफेरेंस? याद आया।
और इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए कोई ना कोई हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना पड़ेगा, जो ऐसे दो आरएनए बनाए जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो बाद में अलग हों और जाकर इसी आरएनए से चिपके और इसको काट डालें और प्रोटीन ना बने, एकदम क्लियर है। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमें प्लांट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी तो प्लांट लड़ पाएगा मिलाइडोकाइन इनकॉग्निटा से। अब प्लांट के अंदर डालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेक्टर। तो हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड के साथ चिपकाया, चिपकाया वो डीएनए जो हमने लैब में सिंथेसाइज किया था, जिससे ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, जो बाद में साइलेंट कर देगा, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ऑफ नेमाटोड। अभी क्लियर, नहीं समझ में आया, अब एक बार और बोल दो, नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है, आ गया, सबको आ गया, बस ठीक है, चलिए छापिए। एक लड़की थी 4 साल की, समझना, एक लड़की थी, दीवानी वानी सी नहीं वाला है, एक लड़की थी 4 साल की, 90 के दशक की बात हो रही, ना हम पैदा हुए थे ना तुम पैदा हुए थे, 90 के दशक की बात है। एक लड़की थी 4 साल की, उसको एक बीमारी हुई, नाम था एडेनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी, ठीक है, हाँ शॉर्ट फॉर्म था एडेनोसिन डीएमिनेस डेफिशिएंसी, मतलब एडेनोसिन डीएमिनेस की कमी। अब सर ये एंजाइम क्या करता है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, ठीक है, इधर आओ। आपको एक बात पता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, इधर, जैसे मान लीजिए ये उसी लड़की की हड्डी है, ठीक, ये उस लड़की की क्या है, हड्डी। अब इधर देखना, अब बेटा क्या है, मैरो वर्ल्ड कहीं भी आ जाए, मैरो का मतलब होता है सब्सटेंस, हड्डी के अंदर जो कुछ माल गूदा मौजूद होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, बोन मैरो। कई बार देखा होगा, तुमने मीट खाने वालों को देखा हो तो पहले नोचते तो अलग है, उसे ठोकते अलग है। हाँ, हड्डी के अंदर के खाया है मीट कभी, हड्डी के अंदर के खोखले स्पेस से पटक पटक के कुछ निकालते हैं, देख तुम खाते हो, छी, मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। इधर तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हड्डी खाते हैं, फिर हड्डी के अंदर से पट, देखा होगा ना, ठक 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 ठक, ठीक है, पूरा एकदम खींच कांच के सक्शन प्रेशर पूरा यूज़ करते हैं, तो वो हड्डी के अंदर गूदा भरा होता है, दैट गूदा इज मैरो, मैरो का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है। तो बेटा हड्डी के अंदर होता है, यहाँ पर शुरू में, इधर कुछ लोग होते हैं भाई इतने खतरनाक होते हैं ना भाई, बस ये बीच वाला पोर्शन छोड़ते हैं, ऊपर वाला मुंडा भी खा जाते हैं, नीचे वाला मुंडा भी है, डरे बहुत, यही लोग हैं जो हंस ही रही हैं। इधर देखो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, यहीं पर सेल पाई जाती है, ठीक है, एक ये सेल क्या करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनाती है, कौन कौन भैया, बी और टी लिम्फोसाइट। क्या ये बात पता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दुश्मनों से लड़ने में मदद करती है, पाकिस्तान से लड़ने में मदद करेगी, अफगानिस्तान से लड़ने में मदद कर, नहीं, बॉडी के दुश्मनों से यार, बैक्टीरिया बन जाए इन सब से। ये बना तो बी और टी लिम्फोसाइट देती है, ठीक है, पैदा तो तुमको तुम्हारी मम्मी ने कर दिया, मुझको मेरी मम्मी ने कर दिया, लेकिन क्या अभी आप मैच्योर हो, हाँ मैं मैच्योर हूँ, हाँ, तो मैच्योरिटी के लिए हमें एक फेज से गुजरना पड़ेगा, एक उम्र होनी चाहिए मैच्योरिटी की, कि पैदा होते ही जुकरबर्ग बन जाओगे बे। तो बी और टी लिम्फोसाइट बन तो जाती है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाती हैं जब तक इनको एक एंजाइम ना मिले, और नाम होता है उसका एडिनोसिन डीएमिनेस, एडिनोसिन डीएमिनेस। अगर ये एंजाइम नहीं मौजूद है तो ये आपकी मैच्योर नहीं होंगी। ये एंजाइम क्या करता है, इनको क्या करता है, मैच्योर फॉर्म में ले आता है, मतलब लड़ने योग्य। चलिए बताइए, अगर आप में से अभी मैं भेज दूं बॉर्डर पर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना जज्बा होता है, ठीक है, बल्कि किस्मत होगी कि अगर एक दिन की भी हमें वहाँ ड्यूटी मिलती है, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आप पिलवा देंगे फिर हमको, पूछिए कैसे, आप ट्रेंड हो, हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को क्या ट्रेनिंग नहीं मिली है, हाँ मिली है कि नहीं मिली है बेटा, मिली नहीं, एक कहावत है कि इंडियन सैनिक, पाकिस्तान के ऑफिसर और रशिया के वेपन, अगर ये किसी एक देश को दे दिए जाए तो पूरे विश्व से अकेले लड़ ले, ये बात फैक्ट है। दुनिया में सबसे जाबाज सैनिक इंडिया के हैं, ऑफिसर नहीं, सैनिक सबसे जाबाज, दुनिया के सबसे जाबाज ऑफिसर पाकिस्तान के पास हैं, और दुनिया के सबसे जाबाज वेपन रशिया के पास हैं, और ये तीनों जिसको मिल जाए वो पूरे दुनिया से लड़ लेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ऑफिसर होता है पीछे, कहता है शूट, हाँ तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ, है ना, अपना बैठ के एसी में समोसा खाओ, है ना, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, वो भी तो कर सकते, तुम लोग इधर जाओ और
उधर जाओ, वहाँ पर ऑफिसर सबसे आगे होता है, कहता है अबे तुम कम पढ़े लिखो, तुम पीछे रहो थोड़ा, ठीक है हम बता रहे हैं फॉलो मी। नहीं समझ पाया बात को, नहीं समझ पाया बात को। तो जो चीज़ जिसकी अच्छी है सोचिए उसकी अच्छी है, जहाँ पर वो बकलोल है वहाँ पर वो बकलोल है, एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त है तो ध्वस्त है। तो अब बेटा इधर देखो, अब बेटा ये बताओ क्या हम लोग अगर बॉर्डर पर लड़ने जाएँ, इंडियन सैनिक पकड़ लिया जाए ना अगर पाकिस्तान के द्वारा, तो नहीं उगलेगा कुछ, बहुत ट्रेंड होते हैं, नाखून उखाड़ लो गर्दन काट दो, बहुत ट्रेंड होते हैं, इतने ट्रेंड कि आप सोच नहीं सकते। अब बेटा लेकिन अगर हम लोग पकड़ लिए जाए ना तो कितना देशभक्ति हो बेटा, उनकी भी आर्मी है, तरीके उन्हें भी पता है उगल वाने के, चम्मच डाल के आँख निकाल लेंगे, ठीक है हूँ नहीं उससे बुरा होगा, समझना क्या किया नहीं है मेजर कालिया के साथ किया है, ठीक है एक एक हड्डी तोड़ी है, एक एक हड्डी मतलब स्पेसिफाई कर कर कैसे चूरा बनाया हड्डी का उन्होंने जिंदा में, उगला नहीं बंदे ने। हम लोग चूरा से बोल भर दें ना, हमको जितना पता हम सब बता रहे हैं, वहाँ हमको संरक्षण चाहिए है ना। तो एक बात बड़ी बात है नहीं, तो बेटा हम लोग क्योंकि मैच्योर नहीं है, चाहे हम हो चाहे तुम हो, उनसे लड़ने के लिए है ना, लेकिन जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं वो मैच्योर हैं, उनसे नहीं मिल पाओगे क्योंकि वो भी ट्रेंड है, बोलो हम ट्रेंड नहीं भाई। तो बी ओ टी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको ट्रेनिंग ना मिले, और ट्रेनिंग देने वाला अधिकारी होता है एडेनोसिन डीएमएनएज, ये बताता है कि ट्रेनिंग देखा होगा ना, कि अगर कोई भी पिक्चर देखी हो आर्मी वाली अगर ट्रेनिंग चल रही हो तो उसमें एक अधिकारी होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट स्ट्रेट डाउन अप, अरे तो बस ये वही अधिकारी है एडेनोसिन डीएमएनएज। उस लड़की में क्या हुआ, वो 4 साल की लड़की थी, 1990 की कहानी थी, उस लड़की में क्या हुआ 1990 में, 4 ईयर ओल्ड, ओल्ड मतलब बुढ़िया नहीं समझ लेना, 4 साल की लड़की थी ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी। अब इसको हुई एडीए एडेनोसिन डीएमएनएज की कमी डेफिशिएंसी, तो भाई मैंने कहा कि बिटिया क्या हुआ, आप पैदा नहीं हुए तो आप कहीं से कहे क्या हुआ, अरे कह दिया धीरे से कब्र से निकल के पुराने ज़माने वाली, कहती है चचा ऐसा है एडेनोसिन डीएमएनएज बॉडी में बन नहीं रहा है। हम कहे तो नहीं बन रहा मतलब कमी हो गई उसकी, कहना हाँ बिल्कुल। हम कहे क्या है, कहन एंजाइम है। हम कहे क्या करता है, कहन बी ओ टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। हम कहे क्या फ़र्क पड़ता है, कहन फ़र्क इतना पड़ता है इम्यूनो सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आज टॉक्सोप्लाज्मा नाम का, टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ा है HIV में पढ़ा होगा, अरे टॉक्सोप्लाज्मोसिस कराता है, ह्यूमन हेल्थ तो हो गई लेकिन ह्यूमन हेल्थ में एड्स में बोला गया होगा ना कि यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा तक हमें बीमार कर सकता है, जो आम तौर पर ह्यूमन में बीमारी करा ही नहीं सकता। कोई बात नहीं हमसे सुनो, टॉक्सोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया है जो हर साल किसी एक इंसान को इफेक्ट कर सकता है बस, वो भी 2 घंटे के लिए। तो बताओ हमारी बॉडी उससे रेजिस्टेंट है या नहीं है, इस लड़की को वो भी बीमार कर देगा अगर एक एक बैक्टीरिया भी घुस गया, इसका इम्यूनो सिस्टम इतना वीक हो गया था ठीक है, क्योंकि बी ओ टी लिम्फोसाइट सैनिक तो खूब है ठीक है। अच्छा हम 2 करोड़ लोग बॉर्डर पर खड़े हो जाएं, और उधर मान लो पाकिस्तान की या चाइना की आर्मी के 10,000 लोग खड़े हो और हम 2 करोड़ हों, जीतेगा कौन, वो जीत जाएगा। कला पता है ना, वो तो वो चूतिया भी बनाना जानते हैं, वो तुम्हें 10 की जगह तुम्हें दिखाएंगे कि हम 10 अरब हैं, वो बहुत बेवकूफ़ तरीके से बना लेंगे, नहीं समझो तुम्हें इधर से घेरेंगे उधर से, उन्हें क्यों प्लानिंग पता है, हम लोग एकदम हट जाओ चीर दे, चीर नहीं चीर जाओगे बेटे आराम से, हमें तोप चलाना नहीं आता, हमें बंदूक चलानी नहीं आती, बोलो भाई, अरे सर ठर 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 ठर, अरे ठर ठर कितना तो हाथ वहीं उखड़ जाएंगे एक गोली जब निकलेगी तो। अब अल्टीमेटली 7-7 किलो का वेपन ऐसे लाद लोगे, अब 10 किलोमीटर तक ऊंचाई पे 10 किलोमीटर तक चलने, और 7 किलो का वेपन इधर, 7 किलो का वेपन इधर, 14 किलो ऊपर से बैग, सर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लादना वादना छोड़ो सर। तो बेटा यही वाली बात है कि हम लोग तो फिर बी और टी लिम्फोसाइट तो इसके अंदर थी लेकिन ये मैच्योर नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि बेटी अगर इंजाइम है तो इंजाइम होते हैं प्रोटीन, कहन हाँ मार साहब, अरे क्या हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोई mRNA होगा और mRNA के लिए कोई ना कोई DNA होगा, अरे नहीं समझ पाए। तो हमने कहा बेटिया एक काम करो, कहन क्या सर, हम क्या, हम तुम्हें 3 तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे, कहन क्या क्या,
हमका पहले देखो तो बकलोल बोलती रहती हो, लड़की हो ना। तो अब मैंने उससे कहा कि देखो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम तुम्हें एडीए के इंजेक्शन दें। अरे यार, एडिनोसिन डी एमिनेस के अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा तो सीधी सी बात है एडीए तुम्हारी बॉडी में जाएगा, तो वो क्या करेगा भैया, वो तुम्हारे जीन्स को क्या करेगा भैया, वो तुम्हारे मैच्योर नहीं, वो तुम्हारी बी और टी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, मैच्योर करेगा। तो उसने कहा सर ये लेकिन परमानेंट क्योर थोड़ी है, एडीए का इंजेक्शन अगर आप हमें दोगे तो ये परमानेंट क्योर है क्या? बोलते ही नहीं है यार, बार बार लेना पड़ेगा, जो जब बार बार करना पड़े तो फिर परमानेंट क्योर क्या हुआ। तो पहला मैंने उसे एडीए इंजेक्शन दे के देखा, एडीए इंजेक्शन लेकर देखा, देकर देखा, सॉरी लेकर नहीं, ठीक है सर, एडीए का इंजेक्शन दिया। आप जल्दी बताओ एडीए का इंजेक्शन इज अ परमानेंट क्योर और टेम्प्रेरी क्योर? हाँ जल्दी बताओ, पक्का? मतलब देखा जाए तो हम उसके अंदर एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो एंजाइम उसके पास नहीं है वो हमने क्या किया, डाला। अच्छा अगला एक तरीका हमने ये किया कि हमने कहा बिटिया एक बात बताओ, ये एडीए जो एंजाइम है ये एंजाइम कौन बना रहा है? कहें बोन मैरो। क्या कहें? बोन मैरो। तो हमने कहा अगर हम बोन मैरो निकाल के तुम्हारे अंदर अपनी डाल दें तो कहें डाल दो सर। तो हमने अपनी थोड़ी, मेरी बोन मैरो सही है, ठीक है, मैंने बोन मैरो लड़की के अंदर क्या किया, उसकी हड्डी में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन उसकी भी बोन मैरो की सेल की भी तो एक एज होगी, उसके बाद वो भी मर जाएंगी, तो क्या ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट क्योर था? समझ ही नहीं पाया यार, समझ गए? अर्थात बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया लेकिन ये भी आपका क्या था, परमानेंट क्योर नहीं था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन समझ गए ना क्यों किया? ताकि उसके अंदर खुद बनने लगे एडेनोसिन डी एमिनेस। लेकिन अब बोन मैरो जो तुम दोगे, क्या मैं अपनी सारी बोन मैरो निकाल के दे दूंगा, मैं बकलों में मर जाऊंगा? अच्छा अब बेटा क्या होगा, थोड़ी बहुत दे दिया, मैं कहा तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, ठीक है, लेकिन तुमको खुश करने के चक्कर में हम खुद को तो नहीं मार लेंगे, बोलो तो क्या ये परमानेंट क्योर है? बताते ही नहीं है यार। अब आया हमारा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अब आती है, कहती है बायोटेक, कहती है, समझिएगा मेरी बात को, कहती है कि मतलब परमानेंट इलाज तो ये भी नहीं बना लेकिन तब भी बायोटेक में पहल हो गई, पहल मतलब शुरुआत, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आया जीन थेरेपी का, कहते हैं उस लड़की की लिम्फोसाइट निकाल लो। क्या निकाल लो? लिम्फोसाइट। सर मैं अपनी दे दूँ तो? आपकी लिम्फोसाइट उसके अंदर एलर्जी पैदा कर देगी। अरे यार उसकी बॉडी नहीं पहचानेगी ना, बकलोल हो गया इधर। हाँ इधर सुनो, हमने कहा कि उस ये मान लो लड़की थी, ये बच्चा था, इसकी मैंने क्या निकाल ली, लिम्फोसाइट, और इसकी लिम्फोसाइट को हमने बाहर कल्चर किया लैब में, और उस लिम्फोसाइट सेल में एक नॉर्मल इंसान से एडीए जीन ले लिया और उसे वेक्टर के साथ लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। तुम समझ पाई? तुम समझ पाई क्या किया है? बताओ क्या किया? क्या ये करने अपनी जगह सही है? और अब हम इस लिम्फोसाइट को नाली में फेंक दें, अब हम इसको वापस बेबी में डाल दें। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो यहाँ पर हमने क्या किया, जीन के साथ छेड़छाड़, जो जो कैपेबिलिटी उस लड़की में नहीं थी हमने उसी की लिम्फोसाइट निकाली, उसमें वो जीन डाल दिया और वापस उस लड़की में डाल दिया। लेकिन परमानेंट क्योर ये भी नहीं था, पूछे क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट की भी तो एक उम्र है, लिम्फोसाइट की भी तो एक एज है। नहीं समझ पाए आप? क्लियर? तो लेकिन देखा जाए तो पहल हो गई बीमारी की, इलाज करने की एक पहल हो गई, एक शुरुआत हो गई, और इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन्स के साथ छेड़खानी करना, जीन्स के साथ छेड़खानी करना, और छेड़खानी करके हम जीन्स को सही, मतलब छेड़खानी करना कहने का मतलब ये नहीं जीन खराब करना, ठीक है, जीन को काट, खराब जीन को काट पीट के बाहर निकालना, अच्छा जीन उसमें फिट करना, यही आपकी क्या कहलाती है, जीन थेरेपी। लेकिन अगर इस लड़की की बीमारी मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता होती, जब 8, 10, 12, 32 सेल या 64 सेल की थी, तब मैं अगर उसी एक सेल में निकाल कर एडीए वाला जीन लगा देता तो 100% है कि उस बच्चे की हर एक सेल में एडीए वाला जीन चला जाता। Yes, समझ पाए? तो जीन थेरेपी ज़्यादा एक्यूरेट कब होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होगी या हाँ? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर यही खेल कर देते तो परमानेंट क्योर हो जाता। Yes,
नहीं समझ पाए अब्बा, समझ गए कितने लोग समझ गए इस बात को, हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदारी समझ गए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, बॉडी से लिम्फोसाइट निकाला, फिर क्या किया बेटा आपने अपना क्या किया, एडीए वाला जीन एक वेक्टर के साथ जोड़कर लिम्फोसाइट में डाल के वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, पक्का। तो तीसरी स्टेप क्या थी हमारी, जीन थेरेपी। अल्टीमेटली बच्ची बची नहीं किसी भी थेरेपी से, ठीक है, लेकिन इस बच्ची पर क्या हुआ, कोशिश हो गई, एक शुरुआत हो गई। इतनी बातें एकदम क्लियर है, क्लियर है। उस लड़की में पता है एक्चुअली में हुआ क्या था, उस एक्चुअली में उस लड़की में ये जो एडीए बनाने वाला जीन था वो जीन ही डिलीट हो गया था, वो जीन ही डिलीट हो गया था, खराब नहीं हुआ था, वो जीन आया ही नहीं, म्यूटेट हो गया पूरा, मतलब वो जीन है ही नहीं वहाँ पर। अरे सर अगर हम भूल जाए डिलीट हुआ था कि क्या हुआ था, तो याद नाम रखो डिजीज का एडीए, डी फॉर डिलीट। इतनी बातें एकदम क्लियर है, वाली बात क्लियर है, समझ गए। उस लड़की के साथ क्या क्या किया गया, पहले एक फंक्शनल मतलब काम करता हुआ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम दिया, ठीक है, लेकिन भाई एंजाइम कब तक काम करेगा, बोलो भाई, ठीक है, एक वक्त के बाद तो एंजाइम भी तोड़ दिए जाते हैं ना। अब बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके देखी गई तो वो सेल भी मरेगी कुछ दिन बाद, फिर जीन थेरेपी लगाई गई, अब लिम्फोसाइट की भी तो एक एज है, एम्ब्रियोनिक फॉर्म में पता चल जाता, उस लड़की का इलाज हो जाता 100%, बोलो हाँ या ना। कितने लोग अब मुझे ये बताएंगे, एनसीईआरटी में कई जगह ये बात लिखी है, अगर आप बता लेंगे तो मैं मान जाऊंगा आपको, सीडीएनए क्या होता है, अंधी मानने को नहीं कहा था, ये क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, ये तो पहली बार जिंदगी में सुने, एमएससी तक तुम पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ये नया था, ये आविष्कारिक था। हाँ भाई सीडीएनए, हाँ भाई इधर सीडीएनए लड़कियों हो गया, चलो उधर देखो, हाँ भाई, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई सीडीएनए, मैं सुसाइड कर लूँगी आज यहीं पे। वाह वो का पर देश देख किस कहा है, अब फंक्शनल एडीएन यूजिंग बताओ तो बताएं, ऊपर आओ, चल भाई बता डीएनए से क्या बनता है, बोलते ही नहीं है बे, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिग्नेचर कर दिया, इधर देखो डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, याद है। एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या, आरएनए या डीएनए, बोल बे। ये ह्यूमन की सेल है, ये हमारा डीएनए है, और ये एचआईवी वायरस है, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए इधर आया। जब तक हमारी डीएनए में फिट नहीं होगा तो क्या ये हमारी मशीनरी को हैक कर पाएगा, आरएनए डीएनए में कैसे फिट करोगे बे, आरएनए गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, है ना बेटा, गुड। इधर तो आरएनए क्या करते हैं हम लोग, आरएनए से पहले बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जब आरएनए से डीएनए बने तो डीएनए से आरएनए बनना का ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो बेटा जब मैं लिख दे रहा हूं जगह पर, व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज फॉर्म्ड बाय सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा होगा यार इसको, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डीएनए को क्या बोलते हैं, सीडीएनए। क्या ये बात आप समझ पाए, क्या ये बात आप समझ पाए, बोलते ही नहीं आप लोग, समझ पाए, यस सर, बोलो, यस सर, नहीं समझ पाए, बोलते ही नहीं है, समझे या नहीं समझे, हाँ। जब सुनो आरएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन,
जब आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स हो गया प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिलेबस में नहीं है कि कैसे बनता है, ये नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि आरएनए से क्या बनने लगा, डीएनए। तो बेटा उसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीएनए। आप ये बात समझ गए? अच्छा, आप पीछे देखो, इधर इस लड़की में जो वेक्टर यूज किया गया, क्या बोला, इस लड़की में जो वेक्टर यूज किया गया वो असल में सीडीएनए था। सीडीएनए कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डीएनए जो किससे बना हो, आरएनए से। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई। ठीक है, और ये आरएनए इस्तेमाल हुआ था रिट्रोवायरस का। रिट्रोवायरस कहने का मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आरएनए। इसके जेनेटिक मटेरियल को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया गया और इस वजह से उसके डीएनए को हमने क्या बोला, सीडीएनए। और इस सीडीएनए में चाहत भरा डीएनए ऐड करके पुट किया गया लिम्फोसाइट में। आप नहीं समझ पाए, दोबारा बोलो। एक रिट्रोवायरस लिया गया, रिट्रोवायरस, ऐसे कोई भी वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो सब के सब कहलाते हैं रिट्रोवायर। एक रिट्रोवायरस लिया गया, उसके आरएनए से क्या बनवाया गया, डीएनए, और वो डीएनए कहलाएगा सीडीएनए। सीडीएनए के साथ चाहत भरा डीएनए ऐड करके लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। हाँ, आपके मन में एक सवाल बन सकता है कि सर रिट्रोवायरस क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत हाई था। क्या बोला, इसका कॉपी नंबर बहुत हाई था, और जितना ज़्यादा कॉपी नंबर उतना ज़्यादा मेरा चाहत भरा डीएनए, जितना ज़्यादा मेरा चाहत भरा डीएनए उतना ज़्यादा एडीए। अब एकदम क्लियर है, कुछ छापना है कि मिटाओ फटाफट? अच्छा रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ, चलो ऊपर। एड्स के लिए, एड्स है आपको? अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो, एड्स के लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, नाम सुना होगा एलाइजा, है ना, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, मतलब बताओ इसका जरा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट मतलब बताओ, है इन एंजाइम लिंक्ड एसए का मतलब नहीं पता। तो कहाँ है रटी, कहाँ है रटी उसको तुम, कहाँ है, कौन कौन रटवाया, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये टेस्ट का नाम पकड़ लोगे ना, सब कुछ पकड़ लोगे, एंजाइम लिंक्ड। देखो मुझे खुद ही नहीं पता ये टेस्ट क्या है, सही बता रहा हूँ, दिल से नहीं पता, जब तुम्हें पता चलेगा उसी के साथ मुझे भी पता चलेगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए का मतलब समझो, ज़्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है सर, इतना आ रहा कुछ एंजाइम से जुड़ा हुआ टेस्ट है, इस पर पक्का कोई ना कोई एंजाइम यूज होता होगा, तभी नाम क्या पड़ा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। सॉर्बेंट केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, एडसॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट, सॉर्बेंट का मतलब कुछ तो होगा। सॉर्बेंट में क्या ये वाली फीलिंग आ रही, कोई चीज़ बैठ रही है या कोई चीज़ चिपक रही है, एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन, नहीं समझ पाए मेरी बात। सॉर्बेंट का मतलब हो गया कोई चीज़ चिपक रही है, तो पक्का है सर एंजाइम से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, पक्की बात है, और इसमें कुछ चिपके उपकेगा पक्का। और एसए का मतलब होता है सिंपली टेस्ट, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिस्टम से कुछ जुड़ी हुई चीज़ होगी, सॉर्बेंट मतलब कोई चीज़ चिपक रही है एसए, दैट्स वाई नाम पड़ा एलाइजा। ठीक है, एलाइजा टेस्ट किया कैसे जाता है ये समझिएगा, एक किट आती है, ठीक है। अब बायोटेक का मैं तीसरा रोल दिखा रहा हूँ मेडिसिन का, एग्रीकल्चर का कितना दिखाया है, एक ना, मेडिसिन के दो हो गए, एक और बताता हूँ तीसरा, कल बताऊँगा कैंसर डिटेक्शन, कल चैप्टर खत्म है ये, समझिएगा। अब एलाइजा टेस्ट करते कैसे हैं बिटिया, ऐसे एक प्याली आती है कांच की बहन, कैसी बिटिया, ऐसे इसमें एलाइजा टेस्ट करते हो, इधर ऐसे कांच की प्याली आती है, ठीक है, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड प्याली आती है, आप घर में नहीं बना सकती, समझ में आया, होममेड नहीं है, है ना, ये बिल्कुल फैक्ट्री मेड, बिल्कुल बाकायदा बन के आती है, ठीक। एक एंजाइम होता है जो लैब में रखा होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम है, सर नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, नहीं पूछेगा, पूछा पूछता हम 10 बार बुलवाते हैं तुमसे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, ठीक। उस एंजाइम को हम लैब में मार्केट से खरीद के रखे रहते हैं, एक डिब्बी में है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये हमारे पास किट होती है, समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये आते हैं और कहते हैं कि मुझे HIV टेस्टिंग करानी है, तो मैं कहूँगा भैया ब्लड लो, तो हवा में कर दूँगा क्या, मुंह पे प्याली फेंक के कर दूँगा क्या, इधर इनका मैंने क्या लिया, ब्लड लिया, ब्लड मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, अगर मैं काफ़ी देर तक रखा रहूँगा, मैं कैमरे में आ रहा हूँ ना, ओ आई एम सॉरी, अब अगर मैं ब्लड जो है, अभी भी नहीं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, अगर मैं ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में से रखा रहूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा, सीरम आ जाता है ऊपर,
सर्कुलेशन हमसे पढ़े हो? यस सर। ठीक। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बहन क्या? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कुछ तो वजन होगा, तो ये अपने वजन के चक्कर में नीचे बैठेंगे कि ऊपर जाएंगे? नीचे बैठेंगे, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे बैठ गए, ऊपर बचा प्लाज्मा। खून बाहर रहेगा तो थक्का जमेगा, थक्का जमेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल होगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो गया तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर आया तो ऊपर क्या बचा? सीराम। हाँ भाई, नहीं समझ पाया, समझ पाया ऊपर वाले को सीरम क्यों कहते हैं? अब क्या करते हैं, उस सीरम को हमने, ऊपर आ गया बिल्कुल, सीरम को हमने कर लिया अलग टेस्ट ट्यूब में, ठीक। उस सीरम को इस प्याली में डालते हैं, उसके बाद वो एंजाइम डालते हैं, भरने से पता चल जाता है एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब कैसे पता चलता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो अब हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाँ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम है उसका, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीपीएमटी पीएमटी में भी नहीं पूछता था ये सब। इधर आओ। तो सर आपने नाम क्यों लिया? बेटा अगर नाम नहीं लेंगे ना तो समझा ही नहीं पाएंगे, एनसीईआरटी तो लपेट दी है चार लाइन में, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बात खत्म, जाओ बच्चों को समझाओ बैठ के अब तुम्हें एक घंटा। कैंसर तो इतना, कैंसर वाला तो चला तीन लाइन में खत्म कर दिया, और तीन लाइन पता है क्या लिखा है उसने? तीन लाइन क्या लिखा है? तीन लाइन लिखा क्या मालूम है? टी डब्ल्यू मुलगन का रिसर्च पेपर है, उसकी समरी है, वो उसकी समरी है जो इन्होंने कैंसर की लाइन लिखी है। वो तो एक टीचर का दर्द पूछो कि ताले उसमें से छांट छांट के मुझे से वो बातें बोलनी है क्लास में जिससे वो तीन लाइन एक्सप्लेन हो, समझो बात को। एलिजा टेस्ट पता क्या किया इन्होंने? एलिजा टेस्ट तो भाई दही कर दिया पूरी, मतलब कोई माई कलाल कैसे समझा देगा। कहते हैं एलिजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, अब हम 10 बार बोल दें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तुम रट लो, एक्सप्लेन करने को कह दिया और भाई भूल जाओगे कुछ दिन में। अच्छा बच्चा होगा तुरंत पूछेगा सर ये क्या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, बात ही नहीं समझ में आ रही सर हमको, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मामला फंस जाएगा वहीं पर। सीधा लिखा एलिजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन, एलिजा टेस्ट भी समरी है, कैंसर की तीन लाइनें लिखा वो रिसर्च पेपर की समरी है, मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है समरी ऑफ माय रिसर्च पेपर, और खट से वही साले लाइन छापे हैं, बाकी सारा लोड टीचर का। अब टीचर बता, अब उस अब पूरा रिसर्च पेपर पढ़ाएंगे तब तो 6 घंटे कम पड़ जाएंगे, अब उसमें भी हम सिर्फ 20 लाइन छाटे हैं जिससे आपको वो सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी और आपके मन में कोई डाउटो नहीं आएगा। अब वो 20 लाइन छाटना वो तो हमारा दर्द जानता नहीं बेटा, अभी तुमको कुछ नहीं पता, उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। अब एलिजा टेस्ट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा मुझे एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर समझाने दो, ठीक है? एचआईवी वायरस देखने में होता कैसे, बस उतना ही बताएंगे बेटा जितना तुम्हारे काम का है, लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें रटनी पड़ जाएगी और भूल जाओगे, और एग्जाम में कहीं बिकॉज लगा दिया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी तुरंत। क्या हो जाएगी बेटा? लेकिन हम लोग को होने नहीं देनी है। आइए बच्चों इधर देखो, बच्चा ये एचआईवी वायरस ऐसा होता है, चारों तरफ प्रोटीन की कोट। अरे सर इसमें कौन नवा बता दिए, वायरस होता ही न्यूक्लियो प्रोटीन, पढ़ा तो लेने दो, अभी पढ़ा तो लें, शुरू किए हैं। और इसमें ऐसे माचिस की तीलियां धंसी रहती हैं। अच्छा सर कुछ भी कहो, वायरस बड़ा कार्टूनिक लगता है, हाँ बस दूर से अच्छा है, वरना दिक्कत ऐसी देगा ना कि झेले ना झेलेगी, समझ में आया? और ये हो गया आरएनए, क्या हो गया? एच आई वी वायरस एक रिट्रो वायरस है, रिट्रो वायरस मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, अभी बताया था क्या, ये है आरएनए। ये जो माचिस की तीलियां वाली प्रोटीन है इनका नाम होता है GP120। सर भूल गए हम तो, कोई बात नहीं सर, क्यों बताएं भाई, प्लीज बता ले दो, कोई बात नहीं, हम भी तो बोल रहे भूल जाना, लेकिन सुन लो नहीं फिर समझा नहीं पाएंगे। GP120 जब आपकी बॉडी में एच आई वी वायरस घुसता है ना, तो यकीन मानिए 5 साल तक तो आपकी बॉडी सिम्टम ही नहीं देगी, आप कहेंगे एवरीथिंग इज ओके, 5 साल के बाद पता नहीं क्यों तबीयत बड़ी ख़राब है। हाँ एकाएक आप देखो सबके अंदर एक है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा 3रा साल चल रहा है, इधर सुनो। GP120 ये वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, एंटीजन का मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बदले में आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे दे, वो क्या कहलाता है? एंटीजन। एकदम क्लियर है? अब मेरी बात समझना, GP120 जो है ये आपका एंटीजन है, अर्थात अगर ये प्रोटीन बॉडी को मिली तो बॉडी इसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी, अब चाहे फीवर दे, कफ दे, चिल दे, नहीं समझ रहे हो, कुछ दे, डायरिया दे, हेडेक दे, मतलब एक सिम्टम आएगा। एंटीजन मैंने क्लियर किया था सर्कुलेशन में यार, एंटीजन जो आपकी बॉडी में उंगली पैदा करे है ना, और पलट के जो रिस्पॉन्स आए वो एंटीबॉडी, याद आया? तो GP120, तो सर जब एचआईवी वायरस घुसता है तो तुरंत सिम्टम आ जाना चाहिए,
क्योंकि GP120 तो घुस गई ना बॉडी में, कुछ फीवर वीवर आना चाहिए, डायरिया वायरिया होना चाहिए। बोलो ऐसे नहीं होता। पूछो क्यों? HIV वायरस इज अ बेहद बदतमीज वायरस, क्योंकि GP120 के ऊपर एक ऐसे कोट पाई जाती है और उस कोट से GP120 छिपा रहता है। समझ में आया? वायरस भी अंदर है, पहचान भी नहीं पाओगे कि वायरस अंदर है, क्योंकि GP120 के ऊपर क्या होती है, एक कोटिंग होती है। तो सर 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है? इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर बाई मिस्टेक एक आध की प्रोटीन को छूट गई या हट गई तब बॉडी हल्का सा रिस्पॉन्स दे जाती है। नहीं समझ पाए आप बात को? और तब आप कहते हो डॉक्टर साहब बड़ा बीमार है, आजार है, बुखार है, तब डॉक्टर साहब कहते बधाई हो, आप HIV पॉजिटिव है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? GP120 घिरी हुई है, वैज्ञानिकों ने लगाया दिमाग इधर सुनो। लेकिन एक बात बताएं, ऐसा नहीं है 6 महीने या 3 महीने में एक आध टेस्टिंग में पता चल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं GP120 की जो ऊपर जो प्रोटीन कोट है कुछ वायरस में नहीं बन पाती है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, कोई बात हो गई, नहीं समझ रहे हो? तो GP120 के ऊपर जो कवरिंग है, खोल है, वो खोल नहीं बन पाया, ऐसा 3 महीने में एक आध दो वायरस बन जाते हैं और बॉडी में रिस्पॉन्स आ जाता है। अब GP120 मान लो इसका नहीं बना, कोई किसी एक का हटा दे रहा, इसका नहीं बना, अरे नहीं बना, GP120 तो बना, उसके ऊपर का खोल नहीं बना, बॉडी इसके खिलाफ तुरंत क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। पक्का? अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी बिल्कुल ताला चाबी की तरह फिट होते हैं। तो एंटीबॉडी जो बनाएगी बिल्कुल ऐसे बनाएगी। बोलो हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर? तब तो साहब एंटीबॉडी बन गई, अब हमारी जीत हो गई। जीत कहाँ से हो गई? बाकी सब तो कवर्ड है। अब तुम रेगमाल लेकर घुसो ब्लड में, हर एक सेल में घिसो GP120 के ऊपर की कवरिंग, एंटीबॉडी चिपकाओ, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो गया। अरे ए पीली भी, समझ में आया था? पक्का? बस देखो अब यही है, HIV टेस्ट होने वाला है। अगर किसी के अंदर HIV वायरस होगा तो इस शेप की एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? जल्दी बताइए। तो हम लोगों ने टेस्ट में क्या किया, एक किट ली और पॉलीस्टाइरीन, एक केमिकल होता है, भूल जाइएगा, प्लास्टिक जैसा, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन की एक होती है, ऐसे डिश आती है, ठीक है, डिश मतलब खा मत लीजिएगा प्लीज़ इधर, और बेटा उसमें ऐसे खांचे बने होते हैं, ठीक है। अब मैं एक खांचे को जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक, देखते जाना और समझते जाना। एक खांचे को अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियली, ये बनी बनाई आती है, ये ऐसे जो पेट्री डिश है ये बनी बनाई आती है, उसमें GP120 ऑलरेडी चिपकी होती है। सर ऑलरेडी कैसे? अरे यार कंपनी चिपका के भेजती है, नहीं समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो बताओ एंटीजन ऑलरेडी चिपका हुआ है? बोलते ही नहीं है यार। GP120 चिपका है। अब ये आई, तुम आई थी कौन आया था तुम दोनों में? अरे कौन आया था अभी टेस्टिंग के लिए? तुम थी? अरे वो दूसरे फंस गए, नहीं ये वाली थी इधर। मान लो कोई आता है और कहता है कि मुझे HIV टेस्ट कराना है, मैंने कहा ब्लड लो, ब्लड थोड़ी देर रखा रहा बैठा, सीरम लिया और सीरम उठा के मैंने डाल दिया। अब अगर HIV वायरस था तुम्हारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी तो बनी होगी, और वो एंटीबॉडी अगर बनी होगी तो इस एंटीजन से जाकर चिपकेगी। बोलो भैया, इस एंटीजन से जाकर चिपकेगी। पक्का? और अगर आपके अंदर HIV वायरस नहीं था तो ये एंटीबॉडी नहीं होगी, और एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन से नहीं चिपकेगी। Yes, बात ही नहीं समझ रहा यार। अबे जब HIV था ही नहीं तो HIV के लिए एंटीबॉडी जबरदस्ती बन जाएगी क्या? नहीं। चूतिया हो क्या यार? अगर HIV नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। Yes, जब नहीं बनेगी तो चिपकेगी नहीं उस पर। Yes, पक्का? ये हम लैब से चिपका के भेजे एंटीजन, क्लियर है ना बहन? अब इधर देखो, अब ये आपके, ये अगर HIV वायरस है तो GP120 पर ये एंटीबॉडी चिपकेगी, और नहीं है तो फिर एंटीबॉडी होगी नहीं, कुछ चिपकेगा ही नहीं। लेकिन अब चिपका या नहीं चिपका ये कैसे पता चलेगा? मामला तो ये है ना सर, देख लेंगे चिपका, वो बेटा देख बोल्ड पे रहा है, दिखता कुछ नहीं है। समझ में आया? देख बोर्ड पर रहा है, दिखता कुछ नहीं है। अब बताओ कैसे करोगे? सोचो, इतनी शक्ति हमें दे न दाता उनका विश्वास, बताओ
अरे मैं बताऊं? ओके, अब आएगा हमारा एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक खास बात पता है क्या है? ये कभी भी एंटीजन से नहीं चिपकता, ये कभी भी एंटीजन से नहीं चिपकता, ये चिपकता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। एंटीजन एंटीबॉडी, सर मारा आपने सिग्नेचर, हाँ कॉम्प्लेक्स है। अब एंटीजन से ना चिपकेगा या एंटीबॉडी से चिपकेगा, ये तभी चिपकेगा जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक साथ चिपकी होंगी। समझ लो बेटा, ये किताबों में लिखा नहीं ना एक्चुअली में आपके यहाँ, और ये आपको बुक्स में मिलेगा नहीं। आप कोई गुप्ता पढ़ डालो, रमेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, चंद्रेश गुप्ता, कोई पढ़ डाले, आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। और लाइन एक्सप्लेन नहीं की गई है कहीं भी, सीधी सीधी लिख दी गई है। तो एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में चिपकेगा तभी ये एंजाइम चिपकेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब मान लो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी बन गया, तो ये एंजाइम यहाँ पर जाकर चिपकेगा। और जब ये एंजाइम यहाँ पर जाके चिपकेगा, तो आपको पता है एक मशीन होती है, नाम भूल जाइएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे उस मशीन की लाइट इस पर पड़ती है, ठीक है, और अगर वो एंजाइम चिपक गया है तो ये पूरा सोल्यूशन हमको पर्पल कलर का दिखता है, सीधे सुनो कलर दिखता है। और नहीं चिपका, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इसका मतलब एंजाइम टहल रहा है, तो कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपको डरना कब है, कलर बने या ना बने? हाँ कलर बने, इसमें डरना है? हाँ इसका मतलब ये हुआ दुनिया की हर रंगीन चीज़ खूबसूरत नहीं होती। समझ में आया? क्लियर? कभी कभी बदरंग होना भी बेहतर है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक रिकैप मांगता है कि हम एक बार दोबारा देखें, क्योंकि चीज़ें फिर अभी क्या चीज़ें समझ तो गए हो, लेकिन अभी चीज़ों पर ग्रिप नहीं आई है। अब ग्रिप उसमें दोबारा सुनोगे तब आएगी। आओ वापस चलते हैं। सबसे पहले मैंने एचआईवी वायरस दिखाया, मैंने कहा भैया आरएनए इसके पास है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्रोटीन कोट हो गई, और ये एक प्रोटीन है GP120 जो कि क्या है, एक तरीके का एंटीजन। हमारी बॉडी इसी के लिए क्या देती है, रिस्पॉन्स। अब बेटा लेकिन GP120 के ऊपर प्रोटीन की कोट होती है, जिसकी वजह से GP120 एक्सपोज नहीं होती है बाहर। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूटेशन होगा। वैसे भी आरएनए वायरस है, म्यूटेशन जल्दी होगा, आरएनए वायरस है तो म्यूटेशन जल्दी होगा। तो GP120 के ऊपर कोट नहीं बन पाई और हमारी बॉडी फट से क्या बना लेगी, एंटीबॉडी। तो अब क्या हुआ, क्या भाई मान लो कोई आया कि भैया चलो लैब में टेस्टिंग, तुम खड़े हो जाओ, तुम टमाटर खड़ो। ये आया कहेगी सर हमें HIV की टेस्टिंग करानी है। किसकी बेटा? आए डरो नहीं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव आएगा तो कोई बात नहीं, उसको दवाई चलाएंगे, है ना। इधर हाँ बताओ बेटा क्या क्या कराना है। अच्छा इधर HIV की टेस्टिंग कराने आए हैं। तो हमने भैया वही पॉलीस्टाइरीन, मैं जिन नामों को ना लिखूं सिर्फ बोल के निकल जाऊं, मतलब वो नाम आपको नहीं याद रखने। तो बताया क्यों आपको, एक ग्रिप आती, कुछ था, कुछ भी नहीं बोलूंगा ना तो कुछ था, वो आएगा फिर। तो पॉलीस्टाइरीन के मैंने एक किट ले आई, मैंने कहा देखिए भाई साहब इसमें देख रहे हैं जो खांचे बने, कहें जी जी साहब, कहें इसमें एंटीजन चिपके हैं, कहें अच्छा अच्छा, कहें अगर आपकी बॉडी में HIV वायरस है तो एंटीबॉडी बनी होगी। मैंने इसमें आपका सीरम डाल दिया पक्का, और जब मैंने सीरम डाल दिया, ठीक है, कहें भैया चिपकी कि नहीं चिपकी, हम कहें होगा तो चिपकेगी, नहीं होगा नहीं चिपकेगी, कहें लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, शायद नहीं चिपके, हमको रुक जाओ, दिखता कुछ भी नहीं है। हमने कहा एल्कलाइन फॉस्फेटेज लिया और खट से उसी में डाल दिया, ठीक है, कहें भैया अभी भी सब कुछ एकदम ओके है भैया, कुछ रंगीन नहीं दिख रहा है, मैं बच गया। हम कहें रुक जाओ, अभी तुम्हें एक टेलीस्कोप से दिखाते हैं, नज़ारा देखो। और देखिए क्या भैया मामला रंगीन है, हम कहें अब जिंदगी बदरंग है। अरे मतलब मामला रंगीन है, मतलब जिंदगी बदरंग है। अरे क्योंकि ये एंजाइम चिपकता है सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। एकदम क्लियर है? पक्का? नहीं समझ पाए, ठीक है। तब तक मैंने अपना भी टेस्ट किया, हमने कहा ये तो एकदम कलरलेस मामला है, हमने कहा इसका मतलब जिंदगी रंगीन है। अरे एकदम क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ या प्लीज सर उस पार्टिकुलर टाइम, वन सेकेंड, मैंने बोला इज देयर एनी डाउट? अरे बोला तो जस्ट अ सेकेंड यार, बैठो इधर। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एलाइजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन? अरे यार सत्य है कि असत्य है?
अच्छा अच्छा रुको, मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ूंगा, ठीक है, तुम लोग नहीं देखोगे। कह रहे हैं अगर किसी भी पैथोजन से आपको इन्फेक्शन है तो आप एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लो जो पैथोजन के खिलाफ आपके अंदर बन रही है, और आप उससे खटाक से बता दोगे कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एलाइजा टेस्ट सिर्फ एड्स के लिए नहीं है, बहुत चीज़ों के लिए होता है, बस एंटीजन चेंज कर देना फिर। अरे यार, अच्छा बेटा हम चाहें तो एंटीजन हटाकर जो हमने पॉलीस्टाइरीन की डिश में एंटीजन लगाया वहाँ एंटीबॉडी लगा दो तो वो एंटीजन डिटेक्ट करेगा। अरे यार, एंटीजन हटा दो, यहाँ पर अगर एंटीबॉडी लगा दोगे तो वो एंटीजन को पकड़ेगा, फिर इंजाइम डाल दोगे तो सब कुछ रिजल्ट वही। एलाइजा टेस्ट समझ में आ गया, चाहे तो हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे